नमस्कार आदाब शतश्री गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों आ गया है आपका होस्ट एंड अवस्थी लेकर के रियल न्यूज एंड एनालिसिस तारीख उनतीस मई दो हजार इक्कीस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जितनी भी खास सुर्खियां या खबरें हो सकती हैं उन्हें हम आज आपके इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए साथियों शुरू करते हैं हमेशा की तरह पेन पेपर अपने साथ रखिए इंडिया और वर्ल्ड कप मैप अपने पास रख लीजिए और पढ़ना शुरू करिए क्योंकि बहुत कुछ है आज जानने के लिए हमारे इस सेशन में सेशन को जल्दी से शेयर करिए अपने साथियों के साथ और पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि मैंने भी अपना सेशन शेयर कर दिया है सुर्खियों पर डालते हैं सबसे पहले नज़र और आज की पहली सुर्खी बनी है कि हाल ही में वर्षों के साथ वर्षों से मतलब ईयर्स एंड ईयर्स बातचीत चल रही थी यूरोपियन यूनियन और स्विट्जरलैंड के बीच में बिल्कुल ब्रेग्जिट जैसा ही कुछ हुआ है लेकिन ये ब्रेग्जिट जैसा स्विस एग्जिट नहीं है लेकिन इतनी जरूर है कि यूरोपियन यूनियन के साथ संबंधों को खराब कर लिया है स्विट्जरलैंड ने तो क्या है इस बात के मायने क्या स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का सदस्य है भी या नहीं या बना रहेगा या नहीं तमाम बातें आपके साथ आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं इसी के साथ दूसरी महत्वपूर्ण सुर्खी बांग्लादेश जो है हमें एक के बाद एक सेटबैक देता जा रहा है अब दूसरा सेटबैक दिया है भाई हमने पड़ोसी जो है श्रीलंका उसको लोन देने चला है बांग्लादेश और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है आज के सेशन में आपको जानना भी चाहिए कि ऐसा क्या है कि बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका को लोन देने जा रहा है और श्रीलंका की ऐसी कैसी हालत हो गई कि वो लोन लेने जा रहा है आज के सेशन में चर्चा करेंगे इसी के साथ साथ ही साथियों बेंगलुरु में हाल ही के हाल ही के दिनों में एक घटना देखी गई उस घटना के दौरान कुछ बेंगलोर के निवासी तो ये कहने लग गए कि भैया एलियंस आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सूर्य के चारों तरफ एक इस प्रकार का रिंग बनता हुआ देखा लोगों ने बहुत सारी तरीके से मतलब ट्रेंड कराया इस इश्यू को भी ट्रेंड कराया लेकिन हमारा पर जोग्राफी का एक सवाल बन गया और वो सवाल क्या है आज के साथ सेशन में हम चर्चा करेंगे ये है एक हेलो इफेक्ट जिसमें सूरज के चारों तरफ बना हुआ एक रिंग जो कि एकदम इंद्रधनुषी था सेवन कलर था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या होता है ट्वेंटी टू डिग्री हेलो इफेक्ट आज का सेशन में ये बात आप सीखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है इसी के साथ साथ ही साथियों मिड डे मील से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर जिससे कि आप लोगों को भी लगेगा कि लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण में केंद्र किस प्रकार से सहायता कर सकता है रमेश पोखरियाल निशंक भारत के शिक्षा मंत्री ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो भारत के अंदर जितने भी विद्यार्थी जो मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में एनरोल थे उनके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब हुआ उनके अकाउंट में सीधा पैसा क्योंकि बच्चे तो स्कूल आ नहीं रहे हैं लेकिन कानूनी रूप से बाध्य है सरकार इसलिए बारह करोड़ रुपए अभी रिलीज करने वाली है हाल ही में देश ने राष्ट्रवादी और नेता विनायक दामोदर सावरकर की एक जयंती मनाई है हम चर्चा करेंगे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में और बताएंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में इनका क्या महत्व रहा इनको जुड़ी हुई इनक, इनके साथ जुड़ी हुई कौन सी कौन सी बातें हैं जो आपको फ्रीडम स्ट्रगल को याद कराती हैं और रिसेंट डेज में इनसे जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसके साथ ही हाल ही में साथियों निर्वासित तिब्बती सरकार और हमारी क्लास इसे बहुत अच्छे से जानती भी है निर्वासित तिब्बती सरकार के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है पेम्पा सैरिंग ने आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कहलाते हैं आप बताएंगे तो पैम्पा सैरिंग हाल ही में नए राष्ट्रपति बन गए हैं धर्मशाला में इनका ऑफिस होगा सीरिया में फिर से भाई साहब इतने लोगों के बोर्ड में नंबर नहीं आते जितने परसेंटेज वोट से ये जीत गए हैं पिचानवे पॉइंट एक प्रतिशत भाई साहब दूसरे आदमी हैं जो इतना हाईएस्ट नंबर पा करके फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं सीरिया के अंदर बशर अल अदस, सद, सद सरकार जो है वो फिर से एक बार निर्वाचित होकर के आ गई है चर्चा करेंगे चौथी बार ये चुनाव जीत करके आए हैं और फिर विद फ्लाइंग कलर्स ये संभव है क्या दुनिया इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों उठा रही है इंक्लूडिंग अमेरिका जो इनकी पैरवी किया करता था आज के सेशन में नेक्स्ट संरचना के बारे में बात करेंगे कि आई मंडी के विद्यार्थियों ने कोरोना के उस प्रोटीन को सेपरेट करके चेक कर लिया है जो कि कोरोना के अंदर अलग अलग प्रकार के आर को अपने साथ रख के चलता है चर्चा करेंगे कौन सी ये रिसर्च है और किस प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च कंसीडर की जा रही है हाल ही में एक मैडम जी हैं उन्होंने तो और बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है दुनिया घर से बाहर नहीं निकल रही है और ये सबसे फास्टेस्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बन गई हैं इन्होंने मात्र 26 घंटे घंटे के के भीतर भीतर 25 50 मिनट अंदर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी गजब बात है चर्चा करेंगे साथियों इनके बारे में इनका नाम है त्यांग यिंग हंग इन्होंने माउंट एवरेस्ट की सबसे फास्ट चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बना लिया है इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने पेड़ पौधे लगाओ उस नाम के लिए एक अंकुर नामक योजना का शुभारंभ किया है चर्चा करेंगे किस प्रकार से पेड़ पौधे लगाने के लिए इनिशिएशन राज्य सरकारें ले रही हैं इसमें इवन इतना तक भी है कि बाद में जाकर अवार्ड वगैरह देने का भी सिस्टम रखा गया है काफी महत्वपूर्ण है सेशन में चर्चा करेंगे जल्दी से सेशन शेयर करिए अपने साथियों के साथ और जानना शुरू करिए महत्वपूर्ण सुर्खियां सोमवार से शुरू होने जा रहा है वर्ल्ड जोग्राफी का पेड बैच यूपीएससी के अंदर रेफरल कोड अंकित टेन यूज करके आप अन अकेडमी यूपीएससी कैटेगरी में मेरे साथ जुड़ करके कोर्स परचेज कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें मेरी जितनी भी प्रीवियस क्लासेस निकली हैं या भविष्य में जितनी भी चाहे इंडियन ज्योग्राफी आए या पॉलिटी आए वो सारी क्लासेस आप इसके साथ देख पाएंगे इसके अतिरिक्त एक तथ्य और आपको यहां पर पता होना चाहिए और वो ये है कि जो फ्री क्लासेस हैं वो लगातार चलती रहेंगी रोजाना सुबह दस बजे के सेशन में आज आप मेरे साथ अफ्रीका की यात्रा पर चलने वाले हैं तो आप तैयार रहिएगा आज अफ्रीका घूमेंगे और अफ्रीका घूमते हुए ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार से अफ्रीका इतने समय तक अनएक्सप्लोर्ड रहा लोग वहां पर जा क्यों नहीं पाए वहां की रिसर्च क्यों नहीं हो पाई आज के सेशन में आपको यह सारी बातें पता चलने वाली हैं इसी के साथ साथ अगर मैं एस के अंदर बात करूं तो मेरा जीके का बैच यहां चल रहा है फाउंडेशन बैच है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी में चल रही जितनी भी क्लासेज हैं उन्हें आप मेरे सिंगल रेफरल कोड अंकित टेन से दस डिस्काउंट के साथ एक्सेस कर लेंगे साथियों इसी के साथ ही आज का जो मोटिवेशन कोटेशन है वो आपके लिए रखा गया है आइए जरा जानते हैं किस प्रकार से आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से निकलेगा स्टडी लाइक देयर्स नो टुमारो बिकॉज इफ यू कीप पुटिंग ऑफ योर स्टडीज फॉर टुमारो यूल बी टू लेट साथियों मतलब एक बार का कथन है मैंने कहीं पढ़ा था अब ये थोड़ा सा पढ़ा था अब ये तो याद है लेकिन कहा पढ़ा था ये याद नहीं है हम में से ना बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं और विशेष रूप से इंडियंस मैक्सिमम इंडियंस इंक्लूडिंग आपके परिवारजन मेरे परिवारजन हम जिनको जानते हैं वो सब हमें लगता है पढ़ाई का मतलब होता है एग्जाम के लिए पढ़ना है ना एग्जाम के लिए पढ़ाई कर ली पास हो गए बहुत अच्छी बात है उसके बाद क्यों पढ़ना और आप देखिएगा कि आपके सराउंडिंग में मामा मौसी फूफा चाचा चाची किसी को भी देख लेना किताबों से उनका नाता उसी दिन तक था जिस दिन तक उन्होंने अपने एग्जाम्स पास किए थे अब तो वो पढ़ने के नाम पर डेली अखबार पढ़ते हैं या व्हाट्सएप पर आया हुआ मैसेज पढ़ते हैं और वो जो है कभी भी किताबें उठाकर नहीं पढ़ते अब आप पूछेंगे सर कौन सी किताबें पढ़वाना चाहते हैं क्या वो डिग्री का एग्जाम देते रहे क्या कोई ना कोई नई डिग्री लेते रहे क्या सी राव बन जाए क्या मतलब साठ साठ पी डिग्री ले लें क्या चाहते क्या हो नहीं भाई हम ये कह रहे हैं आप अगर किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखेंगे आप कहेंगे सर सक्सेसफुल तो हमारी नजर में हमारे सारे रिश्तेदार हैं बढ़िया दुकान चला रहे हैं बढ़िया नौकरी कर रहे हैं सक्सेसफुल का अर्थ है जिन्हें लोग फॉलो करना चाहते हैं जिन्हें अपना आइडियल बना के चलते हैं जैसे गांधी जी हुए भगत सिंह जी हुए जिसको भी आप उठा करके देखें या फिर बिलेनियर्स की बात कर लीजिए जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में कामयाब हुए या फिर नए रिसेंटली बने हुए जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं इन्हें देख लीजिए ये अपने पूरे दिनचर्या में लगभग आधा घंटा ही सही या एक घंटा ही सही चाहे चार पेजेस ही सही रोजाना पढ़ते हैं यह आदत ना मतलब आप में से पता नहीं कितने लोग आज तो सुनकर के सुन लेंगे कि हाँ एक दिन हम कामयाब होंगे तो जरूर करेंगे क्या पढ़ते हैं कुछ भी कुछ भी मतलब जो कुछ भी नहीं पता है उठा लिया और पढ़ लिया मान लीजिए कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं आपको नहीं पता है कि दुनिया में किस कोने में क्या हो रहा है कोई बात नहीं दुनिया के किसी भी देश का इतिहास उठा के पढ़ना बैठ गए कोई बुक उठाई पढ़ना शुरू कर दिया इंटरेस्ट से नहीं कि मेरा रुचि इसमें है इसलिए पढ़ेंगे नहीं बस पढ़िए क्योंकि पढ़ना जो है ना वो एक काल्पनिक जगत की यात्रा कराता है मतलब एक मेंटल एक्सरसाइज है अच्छा एक बार ऐसे सोच के देखिए जिस प्रकार से हम गाड़ी की रेगुलर डे पर सर्विस कराते हैं देखिए अभी तक क्या था आप लोगों ने दुनिया वालों से बहुत ज्यादा सुना क्या सुना कि भाई शरीर के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है है ना मतलब शरीर को मतलब अगर सही तरीके से रखना है तो प्रॉपर एक्सरसाइज जरूरी है लेकिन साथियों शरीर का एक अभिन्न अंग है दिमाग और उसकी एक्सरसाइज है कल्पना आप जिस इमेजिनेशन को कोरे बैठे बैठे, बैठे बस ऐसे ही बेवजह दिशा दे रहे होते हैं उसकी एक राइट दिशा है और वो राइट दिशा है इमेजिनेशन वॉट यू विश जो आप चाहते हैं उसे इमेजिन करें और उसका आधार देती है वो किताब जिसमें किसी ने अपने जीवन का कोई वाक्यांश लिखा है या जीवन की कोई जुड़ी हुई घटना लिखी है कारण यह है कि दिमाग हमारा तभी नए विचारों पर कार्य करता है उसी नई अपॉर्चुनिटी नजर आती है जब वो कोई नई चीज पढ़ता है तो प्रयास करिए आप जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ अभी से ही सही कोई एक आध नोवल वो वो वाले नॉवल नहीं कि भाई हम लोग जो दुनिया पढ़ रही है कोई लव स्टोरी पढ़ लिए मतलब बुराई उसमें भी नहीं है कुछ भी पढ़िए लेकिन कुछ अलग पढ़िए आप यकीन मानिएगा आपके दिमाग का एक अलग ही लेवल विकसित होगा जिस प्रकार व्यायाम आपके सस्वस्थ शरीर के लिए जरूरी होता है वैसे ही पढ़ना जो है ना ये आपके नए विचारों के लिए बहुत जरूरी होता है आपको ब्रॉड एरिया देता है थॉट प्रोसेस देता है दुनिया की एक समझ देता है और शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से आपको स्वस्थ बनाता है आइए तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं अपने तमाम साथियों का वार्म वेलकम करते हैं रविंद्र रत्नेश हिमांशु विक्रम कृष्णा अंशिका निक अजय सुरेंद्र इंजीनियर प्रवीण अमिया नीलम

आप अपने लेवल पर भी दिमाग की कसरत करना चाहते हैं तो बुक्स जरूर पढ़ें। तो चलिए जगह लेकर चलते हैं आपको, और यह है, है, है। मान लीजिए जिन्हें कहीं ऑफिस खोलने की जगह नहीं मिली वो जाकर स्विट्जरलैंड में अपना ऑफिस खोले अब वही स्विट्जरलैंड आज हम आपको घुमाने लेके चल रहे हैं मात्र आपका डेटा खर्च होगा और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा समय ताकि आप इस वीडियो को शेयर कर दें इन दो चीजों का इन्वेस्टमेंट करिए स्विट्जरलैंड की यात्रा कराने मैं लेके चल रहा हूं और बताऊंगा आपको कि स्विट्जरलैंड आज सुर्खियों में क्यों है बहुत लंबे समय बाद सुर्खियों में है बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा आइए चलते हैं स्विट्जरलैंड सुर्खियों में यूं है कि स्विट्जरलैंड हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ एक संधि करना चाह रहा था लेकिन हाल ही में उसने इसे कैंसिल कर दिया कि साहब हम नहीं करेंगे संधि संधि बंदी मतलब इन्होंने से बायकॉट कर दिया है कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ करके काम नहीं करना चाहते बड़ा सवाल है साहब बहुत बड़ी बात है हाल ही में किस यूरोपियन देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक बहुत बड़ी संधि जो होने जा रही थी एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट होने जा रहा था उससे बाहर आने का निर्णय कर लिया बड़ा सवाल आपके जैसे कईयों के पहले ही उठ गया और मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और नो बता दीजिए है ना जल्दी से यस और नो बता दीजिए सवाल यह है कि बताइए स्विट्जरलैंड जो है ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य है या नहीं है ना, पहले इस पर आंसर करिए फिर आगे पढ़ाने में और मजा आएगा यस और नो में इतना सा आंसर करिए कि स्विट्जरलैंड जो है ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य है या नहीं मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं चलिए देखते हैं साथियों यहां पर मेरे प्यारे साथियों आपके सामने इस पूरी की पूरी बात को हम सिखाने जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी के साथ साथियों यूरोपियन यूनियन जिसके बारे में आप ये जानते हैं कि जिसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम की, की राजधानी है बेल्जियम जो कि बेनालक्स कंट्री है बेनालक्स कंट्री जो कि लो लैंड कंट्री कहलाती है जहां इसका मुख्यालय है सत्ताईस देश इसके अंदर शामिल है यस यस नो नो ऐसा करके साहब दो ही ऑप्शन थे और हमारी क्लास में दोनों ही कमेंट बॉक्स के अंदर भर भर के आ रहे हैं ऐसी स्थिति में सवाल थोड़ा टिपिकल हो जाता है आंसर है नहीं स्विट्जरलैंड जो है ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है यही कारण है कि इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन चल रहे थे अब आप पूछेंगे क्या आप बात कर रहे हो सर मतलब हम अब तक ये सोचते आ रहे थे कि ब्रिटेन ने ही पहली बार हिम्मत की थी ब्रेग्जिट के रूप में यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की स्विट्जरलैंड तो मेंबर ही नहीं है हमने कहा जी हां यह जबरदस्त बात है कि स्विट्जरलैंड मेंबर नहीं है चलिए दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं बताइए स्विट्जरलैंड के अंदर सरकार किस प्रकार की है मतलब प्रधानमंत्री वहां का मुखिया होता है यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है या फिर वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम सिस्टम है कौन सा ऑफ़ डेमोक्रेसी वो फॉलो करते हैं आपको आश्चर्य होगा कमेंट बॉक्स में बताइए फिर हम आगे बढ़ेंगे तब तक आप लोगों को और बातें यहां पर जान लेनी चाहिए आप आंसर करें मैं आपको कुछ कमेंट में बातें और बताता हूं देखिए साथियों यहां पर आपको यूरोप का मैप दिखाया जा रहा है मेरे बहुत सारे मित्रों ने अभी दो दिन पहले ही मेरी फ्री स्पेशल क्लास जो रोजाना सुबह दस बजे अन अकेडमी पर होती है आप भी जैसे पढ़ सकते हैं वहां पर मैंने यूरोप पूरी तरह खत्म करवाया था और यूरोप के मध्य में ही यहां पर एकदम केंद्र बिंदु में बैठा हुआ है स्विट्जरलैंड पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री है यानी कि इसको समुद्र से कोई सीमा नहीं मिली हुई है यहां की आबादी लगभग चौरासी लाख आबादी है चौरासी लाख के आसपास यहां आबादी है और बहुत बढ़िया बढ़िया देश इसे घेर के बैठे हुए हैं एक तरफ फ्रांस है एक तरफ जर्मनी है एक तरफ इटली है एक तरफ ऑस्ट्रिया है बकायदा चार देशों के साथ ये पूरी तरह घिरा हुआ है अगर हम वर्ल्ड मैप में आपको दिखाने का प्रयास करें तो एक बार के लिए आप इसे देखें और आपको अंदाजा लगेगा स्विट्जरलैंड देखिए बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ देश है अल्पाइन पर्वत है पर्वतों के के बीच में चार देशों के साथ बॉर्डर बनाता हुआ आपको यहां स्विट्जरलैंड दिखाई दे जाएगा फ्रांस स्विट्जरलैंड फ्रांस जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली के साथ में ये बॉर्डर बना रहा है अब आपको एक बेहतरीन बात बताते हैं जिससे आपको आगे की बातें चलेंगी पता चलेंगी प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री दोनों ही बातें यहां पर लिख दी गई हैं मेरे प्यारे साथियों जबरदस्त आंसर यह है कि यहां पर फेडरल काउंसिल चलती है फेडरल काउंसिल का मतलब हुआ यहां देश का मुखिया एक व्यक्ति नहीं होता यहां पर देश के मुखिया सात लोग होते हैं हम लोग देश के मुखिया के बारे में या तो साहब कोविंद जी को पढ़ते हैं या मोदी जी को हम या अमेरिका के अंदर पढ़ते हैं तो बाइडेन जी को पढ़ते हैं लेकिन यहां पर आपको जानने का मौका मिलेगा कि यहां पर एक व्यक्ति नहीं सात लोग मिलकर

यूरोपियन यूनियन में हमने सुना है कि 27 देश हैं आप जरा इस मैप के माध्यम से और अच्छे से स्विट्जरलैंड को देख सकते हैं फ्रांस जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली से यह बॉर्डर शेयर कर रहा है इसे अल्पाइन कंट्री कहते हैं क्योंकि आल्प्स पर्वत यहां यहां पर स्थित है दुनिया वाले घूमने इसीलिए जाते हैं क्योंकि पर्वत जो है बहुत सही फीलिंग देता है उन लोगों को है ना अच्छा तो अब मैं आपको थोड़ी सी अन्य जानकारियों में यूरोपियन यूनियन के बारे में बताना चाहूंगा कि यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से देश शामिल हैं एक बार के लिए आप यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां है और फिर हम आगे बढ़ेंगे बेल्जियम में यूनियन का, ब्रसेल्स में, ब्रसेल्स में का लक्जमबर्ग कुल मिलाकर के यूरोपियन यूनियन के अंदर सत्ताईस सदस्य हैं थोड़ा हमने बैकग्राउंड जान लिया फिर हम आगे करंट की तरफ बढ़ेंगे आपको देख करके यहां कुछ बेसिक जानकारी ले लेनी चाहिए इन 27 देशों में यूके इसका मेंबर नहीं है और स्विट्जरलैंड इसका मेंबर नहीं है फिर आप पूछेंगे सर हम लोगों को तो हमेशा यही लगा स्विट्जरलैंड में दुनिया भर के मुख्यालय हैं आप चाहे जिसका नाम ले लो कोई स्पोर्ट्स का मुख्यालय हो यूएन का मुख्यालय हो कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो सब कुछ यहीं पर बैठा हुआ है लेकिन सर आपने अभी बताया कि ये तो ईयू का पार्ट नहीं है तो फिर कैसे ये आपस में इस प्रकार का व्यवहार रखे हुए हैं तो मैं आपको बताता हूं साथियों स्विट्जरलैंड जो है ना वो यूरोपियन यूनियन का तो मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन में तो 27 देश हैं, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन के साथ लगभग 120 प्रकार के समझौते कर चुका है कितने प्रकार के समझौते कर चुका है 120 प्रकार के समझौते कर चुका है 120 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स आर देयर बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड यूरोपियन यूनियन और इसमें यह है कि यह हर मुद्दे पर वैसी ही फैसिलिटी पाता है जैसे यूरोपियन यूनियन के सदस्य पाते हैं अच्छा आप में से ना बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि यूरोपियन यूनियन वालों को आपस में फायदा क्या होता है चलिए मैं एक जबरदस्त चीज दिखाता हूं आप लोग जरा इस मैप को देखें इससे आपको एक आइडिया लगेगा साथियों एक यूरोप में कल्चर है आप कभी जाएंगे यौर... घूमने तो आपको वहां पर एक चीज पता चलेगी और वो ये है कि आप एक देश के अंदर एंट्री कर जाइए लगभग 10 से 15 देश के बॉर्डर पर पुलिस आपको पूछेगी भी नहीं कि कहां जा रहे हो क्योंकि ये व्यवस्था वहाँ पर व्यवस्था पर पासपोर्ट कहलाती है मतलब यह है आपने एक देश में एंट्री उतरने के अंदर बंद कंट्री दिख रहे हैं तीन छह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस कहां जा रहे हो फिर चाहे आप वहां से नॉर्डिक देशों में निकल जाओ चाहे फिर आप बाल्टिक देशों में बेनालक्स देशों में जहां जाना है जाइए आप अगर जैसे आप सोच के देखिए अगर कोई यात्री आया और इंडिया में आकर के वो दिल्ली में लैंड हुआ अब दिल्ली के बाद उसे नेपाल जाना है जाए पुलिस नहीं रोकेगी और अगर आपको यहां से बांग्लादेश जाना है जाए पाकिस्तान जाना है जहां कहीं जाइए आप ऐसी व्यवस्था अगर यूरोप में देखें इसे सेंजेन व्यवस्था कहते हैं यूरोपियन यूनियन के सामान्यतया अधिकांश देशों ने इसमें पार्टिसिपेट कर रखा है और यह सबसे बेहतरीन व्यवस्था कहलाती है आप जरा सोच के देखिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और कोई आपको रोक नहीं रहा है मतलब अपने आप में यह कितना ब्यूटिफुल पार्ट होगा आप इसके बारे में विचार करिए कि आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो और आपको कोई रोके ना अच्छा इसका पता है क्या फायदा और नुकसान है मैं आपको वही बता रहा हूं जिसके चक्कर में आज हम ये सारी बातें पढ़ रहे हैं हुआ क्या इस स्विट्जरलैंड के अंदर मैंने आपको बताया 84 लाख लोग रहते हैं आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों इन 84 लाख में से 34 लाख लोग ऐसे हैं साथियों जो यहां पर बाहर से आकर के बसे हुए हैं और लगभग 14 लाख लोग ऐसे हैं ध्यान से सुनना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है चौदह लाख ,00 लोग ऐसे हैं जो यहां से अप डाउन करते हैं कोई ब्रिटेन से कोई फ्रांस से आ रहा है कोई जर्मनी से आ रहा है कोई ऑस्ट्रिया से आ रहा है कोई इटली से आ रहा है यानी कि चौरासी लाख में से चौदह लाख ,00 तो केवल यहां पर यूरोपियन यूनियन से रेगुलर जो है वो आने वाले लोग हैं जिनमें से डेली आने जाने वाले लोग लगभग साढ़े तीन लाख हैं आप जरा सोच के देखिए इतने लोग स्विट्जरलैंड में आए दिन जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे मान लीजिएगा हम अलवर वाले हैं अलवर वाले जब दिल्ली से अपडाउन करते हैं अलवर से मतलब गुड़गांव हमारे यहां से 110 किलोमीटर है अब गुड़गांव का मतलब है हरियाणा और अलवर का मतलब है राजस्थान हम लोग बॉर्डर हमको पता ही नहीं है कि हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर कहां है हाईवे चल रहा है हम हाईवे से सीधे आ गए और चले गए हमें ये फीलिंग ही नहीं आती कि हम हरियाणा जाके आ रहे हैं हमें लगता है हम गुड़गांव गए थे दो घंटे में जाकर के वहां पहुंच गए तो मतलब बिल्कुल वैसे ही यहां पर है यहां पर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे यह फीलिंग ही नहीं आ रही है कि वो स्विट्जरलैंड जा रहा है क्यों सेंजेन एग्रीमेंट हो रखा है और तो और स्विट्जरलैंड में जितने भी यहां के लोग आसपास के लोग नौकरी करने आते हैं उन्हें उतनी ही इज्जत प्राप्त है जितनी स्विट्जरलैंड वालों को प्राप्त है तो इसलिए कभी कोई दिक्कत यहां होती नहीं है अच्छा लेकिन साथियों धीरे धीरे यहां के लोगों को दिक्कत होना शुरू हुआ क्यों दिक्कत होना शुरू हुआ एक छोटा सा देश जिसमें दुनिया भर के इतने सारे ऑफिस उन ऑफिस में आने के लिए लोग तो बाहर से आएंगे ही और फिर वही वाली बात साथियों दुनिया में आजकल सब अपने अपने के लिए जो वापस मरने लगे हैं यानी ग्लोबलाइजेशन जब रिवर्स चलने लगा है जिस समय एक समय था जब कहते थे कि मतलब दुनिया पूरा एक परिवार है लेकिन अब हर व्यक्ति उल्टा रास्ता चल दिया है हर राज्य उल्टा रास्ता चल दिया सब अपने अपने के लिए मर रहे हैं अमेरिका कह रहा है अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाओ इंडिया कह रहा है कि नहीं भाई हम अपने ही यहां पर सबसे पहले सारे विकास कार्य करेंगे ये जो नीतियां चलने लगी ग्लोबलाइजेशन रिवर्स में ऐसा स्विट्जरलैंड में भी हुआ स्विट्जरलैंड के लोगों ने कहा हमें विदेशी लोग नहीं चाहिए विदेशी लोग नहीं चाहिए तो इनने कहा यार हमने तो एग्रीमेंट कर रखा है तो यूरोपियन यूनियन को ये बात 2014 में समझ में आ गई कि यार ये लोग हमारे साथ में एग्रीमेंट जो कर रखा है उसको तोड़ने की फिराक में घूम रहे हैं इसलिए यूरोपियन यूनियन वालों ने स्विट्जरलैंड के साथ में बातचीत करना शुरू किया बोले सर देखिए अब अपना थोड़ा रिश्ता पक्का समझे हर दिन आपके यहां आते जाते हैं हमारे लोग तो क्यों नहीं आप हमारे साथ यूरोपियन यूनियन में ही शामिल हो जाते स्विट्जरलैंड ने कहा देखिए जितने भी मुद्दे हैं हमने आपके साथ 120 प्रकार के समझौते कर रखे हैं सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है तो फिर मैं आपके यूनियन में क्यों शामिल हूं मैं आपकी संसद में जाके क्यों बैठू मैं ब्रसेल्स के मुख्यालय में जाके क्यों बैठू मैं अपना फेडरल काउंसिल चलाऊंगा तो साहब यूरोपियन यूनियन थोड़ा और सख्ती अपनाई स्विटरलैंड के ऊपर देखिए आपने केवल अभी तक केवल अच्छा अच्छा जो हिस्सा है ना यूरोपियन यूनियन का उसका लाभ लिया है बोले अच्छा क्या है जो आप हमको दे रहे हैं बोले आपको मालूम होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन यूनियन को को ही केवल को ही केवल 160 बिलियन डॉलर का सालाना एक्सपोर्ट करता है मतलब यह है कि इतना ज्यादा जो व्यापार करता है एक्सपोर्ट ना कहा जाए ट्रेड कही है। क्योंकि एक्सपोर्ट एक मतलब यूनिलेटरल शब्द हो जाएगा ट्रेड में दोनों चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट शामिल हैं और 160 बिलियन डॉलर का आप लोग हमारे साथ व्यापार करते हैं तो बोले साहब एक ऐसी बात है अगर आपको हमारे साथ में रिश्ता रखने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें धमकी दे रहे हैं कि हम 160 बिलियन डॉलर का आपसे व्यापार करते हैं तो एक काम करिए आप भी जान लीजिए कि आपके यहां से चौदह लाख लोग हमारे यहां नौकरी करने आते हैं या तो उन्हें रोक लीजिए या हमारे व्यापार को मत रोकने दीजिए भाई यहां पर बात बिल्कुल वैसे ही फंस गई जैसे ब्रिटेन वालों की फंस गई अच्छा लेकिन स्विट्जरलैंड है ना बड़ा ही समझदार प्राणी है वो क्या कहता है मुझे ना ब्रिटेन से तुलना मत करो वो तो आप लोगों से दूर चला गया है ब्रेग्जिट कर गया है मैं कोई ब्रेग्जिट जैसी घटना यानी स्विस एग्जिट थोड़ी कर रहा हूं मैं तो बराबरी की बात कर रहा हूं आप लोग व्यापार की धमकी देंगे मैं सिंपल सी बात बोलूंगा तो फिर फिर यूरोपियन यूनियन को समझ में आया कि 2014 से चली हुई बात आ रही है। मैंने नहीं अभी तक आप लोगों को क्योंकि 2014 से पढ़ नहीं रहे मेरे साथ तो अब क्या हुआ यूरोपियन यूनियन वालों ने इसके ऊपर फिर एक डोरा फेंका अच्छा सुन भाई तेरे को दिक्कत आ रही है तो यदि इस तरह से नहीं करना चाहता एक काम कर तूने जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड से कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले कि भाई तूने जिस प्रकार से अपने देश के लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी दे रखी है ध्यान से सुनना पहले तो क्या कहा यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जा हम तो अभी फील कर रहे हैं हमारे साथ मिल जा बोले नहीं मिलूंगा बोले फिर एक काम कर चल मत मिल अब तू ये कह रहा है कि भाई हम लोग 140 सौ एक सौ बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं चौदह लोग चौदह लाख लोग तुम्हारे पास नौकरी करने आते हैं तो एक काम करो हमारे लोग जो तुम्हारे यहां नौकरी करने जा रहे हैं ना उनके लिए वैसी ही सोशल सिक्योरिटी दे दो जैसे तुम अपने नागरिकों को देते हो पॉइंट को पकड़ना आप में से कह तो पता ही नहीं है कि सोशल सिक्योरिटी नामक कोई चीज धरती पे होती भी है क्या लेकिन मानना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अभी सिखाता हूं मैं आप लोगों को साथियों कहानी कुछ यूं है देखो मैं इसको थोड़ा साफ कर दू ताकि ये भी बुरा ना माने इधर देखो भाई यहां पर एक चीज समझ लेना आप अच्छे से ये जो सोशल सिक्योरिटी नामक चीज है ना आज जैसे आप लोग देखते हैं कि भारत सरकार ने देश के लिए मनरेगा चलाया सबको कम से कम सौ दिन का रोजगार दिया फ्री में खाना दिया दो रुपए किलो गेहूं बांटा ये तो हुई गरीबों की सोशल सिक्योरिटी अमीरों की सोशल सिक्योरिटी ऐसी होती है जैसे आप रशिया वालों की सोशल सिक्योरिटी सुनो मजा आ जाएगा सुन करके रशियन सरकार अपने बेरोजगारों को इतना पैसा देती है अगर वो नौकरी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं उनको मिला हुआ जो बेरोजगारी भत्ता है उसमें वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं आपको पता है रशियन सरकार अगर अब इसको सोच करके थोड़ा दिमाग की लगाने की आवश्यकता है अगर रशियन सरकार अपने बेरोजगारों को भत्ता देना बंद कर दे तो गोवा में क्राइसिस आ जाता है अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो सर गोवा में क्राइसिस क्यों आ जाता है गोवा का धंधा ठप हो जाता है बोले क्यों क्योंकि रशिया से जो लोग आते हैं बेरोजगार वो उस पैसे को खर्च करने गोवा ही आते हैं क्योंकि रशिया तो एकदम ठंडा पड़ा हुआ है पूरी बर्फ जमी है ऐसी स्थिति में उन्हें गर्मी लेने गोवा आना होता है तो भाई ऐसी जगह पर गोवा का व्यापार ठप हो जाता है क्योंकि बेरोजगारी भत्ता इतना बड़ा है आपको बता है बनारस जाइएगा कभी यहां बहुत सारे विदेशी आते हैं हैं तो जो हमारे यूपी के मित्र हैं वो बताएंगे भी उनमें से अधिकांश लोग वो हैं जिन्हें अमेरिका वालों ने बेरोजगारी भत्ता दे रखा है कि तुम बेरोजगार हो इसलिए भत्ता लो और वो उस भत्ते को लिए और विश्व यात्रा पे निकल गए कमाना क्यों जब सरकार हमारी रखवाली कर रही है उन भत्तों में अगर आप सोच के देखें स्विट्जरलैंड के मायने सबसे ऊपर हैं यू समझिए आप वो अपने देश के लोगों को इतनी सोशल सिक्योरिटी देता है आपको नौकरी करनी है नौकरी करिए नहीं करनी है कोई बात नहीं जितना नौकरी करते थे उस समय जितना कमाते थे उतना हम देते रहेंगे लोड मत लीजिए भाई अंकित अवस्थी अगर तुम दस करोड़ रुपए कमा रहे हो लोड मत लो तुम्हारी नौकरी अगर छूटती है तो केंद्र सरकार मुझसे कह रही है लोड मत लो भाई तुम्हें तो हम दे रहे हैं ना क्या दिक्कत है जाओ दुनिया घूमो तो भाई सवाल बनेगा मैं फिर कमाऊंगा क्यों लेकिन इसका रिवर्स सोचो अगर मैं यह सोच लूं कि यार सरकार मुझे देती है तो ठीक है नहीं वैसे तो मैं सोशल सिक्योर हूं तो मैं अपने इंटरेस्ट का काम करूंगा और उसमें बेस्ट करूंगा यही कारण है कि यह छोटे छोटे से देश चौरासी लाख आबादी हमारे राजस्थान की साढ़े छह करोड़ आबादी है भाई मतलब हमारे अलवर जयपुर चार जिले बड़े बड़े से मिल जाए तो स्विट्जरलैंड बन जाए इतनी सी आबादी वाला देश दुनिया का पावर सेंटर बना हुआ है इसके पीछे यहां पर क्या है लोग अपनी विल से काम करते हैं अपनी इच्छा से एक्सप्लोर करते हैं चीजों को कि यार ये करना है और उसमें वो उतना ही अच्छा कर जाते हैं इनके यहां पर कोई नीट की तैयारी आई की तैयारी आई की तैयारी नहीं करता है समझे यहां पर सब लोग बढ़िया करने की कोशिश करते हैं तो अब सोचिए यूरोपियन यूनियन ने इनको एक दाना फिर डाला कि ये काम करो कोई बात नहीं तुम 160 बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहे हो बोले हां हमारे 14 लाख लोग तुम्हारे पास बोले हाँ तो एक काम करो तुम हमारे चौदह लाख लोगों को वही चीज दे दो जो तुम्हारे लोगों को मिलती है सोशल सिक्योरिटी बोलो दो इनने कहा कि चलो हम बात करेंगे बात कैसे करते हैं स्विट्जरलैंड वाले वो भी सुन लो ये अपने लोगों से सीधी बातचीत करते हैं रेफरेंडम जैसी चीजें प्लेविट जैसी चीजें पूछते हैं जनता से सीधा संवाद करते हैं बताओ क्या कुछ ऐसा चाहते हो यहां की जो फेडरल काउंसिल है वो पूछती है इनसे कि यार एक बात बताओ तुम लोग जो हैं इस प्रकार का कोई व्यवहार करना चाहते हो विदेशियों को अपने यहां बसने देना चाहते हो तो इनने साफ इनकार कर दिया कत्ता नहीं चाहते कत्ते ही नहीं चाहते तो फिर यूरोपियन यूनियन और सख्त हुआ कि तुम्हारे देश के लोग चाहते नहीं हैं कि हमारे यहां के लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिले यह बिल्कुल वैसे हो गया जैसे इंडिया में बांग्लादेशियों के लिए कहा जाए कि इन्हें भी घर मिले इन्हें भी साथ सारी सारी साथ सुविधाएं मिले इन्हें भी आयुष्मान भारत का लाभ मिले इन्हें भी मनरेगा में मजदूरी मिले बिल्कुल ऐसे कह दिया जाए आप जरा सोच के देखो वैसी मांग कर रहे थे ये यूरोपियन यूनियन वाले स्विट्जरलैंड वालों से तो फिलहाल के लिए मुद्दा समझ में आ गया, तो तीन मुद्दे निकल के आए व्यापार सोशल सिक्योरिटी और लोगों का रहना इस बीच में दो से चला हुआ नेगोशिएशन 2021 तक पहुंचा 2021 की हालत यह हो गई कि इन दोनों के बीच संबंध इतने तल्ख हो गए कि यूरोपियन यूनियन ने कहा या तो आप ऐसा करो अदरवाइज हम आपके साथ कुछ सख्ती बरतेंगे अब वही चीज आपको बताने के लिए आज का सेशन है और वो सख्ती क्या है यूरोपियन यूनियन ने इनके साथ व्यवहार खत्म कर दिया है कहने का मतलब सीधा है इनसे कहा है कि अब आपके साथ वैसे ही बात होगी जैसे अन्य देशों के साथ होती है बाई ट्रेड टॉक्स होंगी हम अपना फायदा देखेंगे आप अपना फायदा देखेंगे आप ये नहीं कर सकते कि आपको जो अच्छा अच्छा लगा वो आपने ले लिया जो बुरा लगा वो आपने नहीं लिया साथ रहना है तो आपको हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने होंगे हमारे साथ मिलकर के आपको सारी वो बातें करनी होंगी जिसके माध्यम से हमारे व्यापार आपके यहां पर टैक्स फ्री हो आपका सामान हमारे यहाँ हमारा सामान आपके साथ दूसरा लोगों को प्रॉपर आवाजाही देनी होगी किसी भी प्रकार से आप हमारे साथ में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे अगर आपको रहना है और अगर आपको जाना है तो जाइए आप जाएंगे तो ज्यादा तो दिक्कत नहीं भीड़ कम ही होगी ठीक है ना आना है तो अच्छी बात है नहीं आना है तो चले जाइए उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में अच्छे से आ गई होगी एक प्रैक्टिस के लिए आपको प्रश्न दे दिया गया है और वो है व्हाट आर दैलेंजेस फेसिंग यूरोपियन यूनियन टूडे वॉट वुड बी द इंप्लीकेशन ऑफ यू एंड इट्स रिलेशन विद इंडिया अपना 250 शब्द का अभ्यास कर लीजिएगा और अपना ही आंसर एक बार ढंग से वापस पढ़ लेना खुद को नंबर भी दे लेना कि यार इतने गंदे आंसर में तो हम खुद को नंबर ना दें वैसा आंसर भी लिख करके खुद को ही ग्रेडिंग दे लेना कई विद्यार्थी पूछते हैं सर आंसर तो हम बढ़िया लिखते हैं लेकिन चेक कैसे करें भाई एक काम करना खुद से ही खुद का आंसर दोबारा पढ़ना तीसरी बार पढ़ना चौथी बार पढ़ना और खुद से नंबर देना कि यार तू खूब दाता बन जा मतलब जितना भी बनना है बन के देख ले कितना नंबर दे पाएगा फिर नंबर देना आपका हाथ खुद ही नहीं चलेगा कि नहीं यार ये वो आंसर नहीं है जो होना चाहिए था बस यही है सेल्फ असेसमेंट करते रहिए बढ़ते रहिए चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं साथियों तो ये पूरी की पूरी बातें मैंने आपको बताई हैं स्विस अबेंडन ईयर ऑफ इू टॉक्स एंड रिजेक्ट ट्रीटी स्विटरलैंड ने कह दिया है थैंक यू सर हम नहीं जुड़ना चाहते आपके साथ जो आपको करना है कर लीजिए एक दिन पुरानी खबर है हमने विस्तार पूर्वक आपको समझा दी है आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं यह बात जो है ना ये इंडिया वालों को जलील करने में भाई सब गजब काम आ रही है क्या बात है इस सेशन को आप सुनेंगे मजा आ जाएगा 200 मिलियन का मुद्रा विनिमय समझौता करने के लिए बांग्लादेश ने श्रीलंका को हाल ही में मंजूरी दे दी है। सवाल के माध्यम से भी सुन लीजिए, बांग्लादेश ने हाल ही में किस सार्क देश के साथ 200 मिलियन डॉलर का समझौता कर लिया है आइए के हैं एक एक करके सारी बात आपको बताने का प्रयास करते हैं पहली बात तो साहब इतनी इज्जत दे क्यों रहे हो सार्क देश लिख करके क्या समझाना चाहते हो साथी तो रुको भाई हाँ, रुको पहले हम अपना ना इसको पूरा दिखाते हैं समझाते हैं जरा इसे देखें आप द सिग्निफिकेंस ऑफ टू हंड्रेड मिलियन डॉलर करेंसी स्वैप बांग्लादेश हैज अप्रूव्ड फॉर श्रीलंका एक तो क्या है ना हमारा मीडिया भी ना इतना इज्जत देता है हम लोगों को कि हम इंडियंस को बुरा ना लगे हमारी खुददारी हैम्पर ना हो जाए इसके लिए बहुत प्रयास किया जाता है और उसी खुददारी के प्रयास में हमारी इज्जत बरकरार रखते हुए यहां एक शब्द यूज किया गया है करेंसी स्वैप आप सोच रहे होंगे होता होगा कुछ इससे हमें क्या ही लेना देना रुको बेटा इसमें भरपूर जलालत छिपी है जरा ध्यान से सुनो और खूब खुन्नस खाओ बैठ करके केवल ट्विटर से युद्ध नहीं जीता जाता कुछ करना पड़ता है कुछ करिए क्या है करने की कहानी आइए सुनाते हैं आपको साथियों सरल भाषा में बताएं या जटिल भाषा में अरे चलो सरल सुन लो सरल यह है कि श्रीलंका को बांग्लादेश 200 मिलियन डॉलर का लोन दे रहा है समझे फिर से सुनो शायद कईयों को झटका लगा होगा श्रीलंका को बांग्लादेश 200 मिलियन डॉलर का लोन दे रहा है क्या ये कम था हमें बताना कि श्रीलंका क्या क्या ये कम था हमें बताना कि बांग्लादेश पर कैपिटल इनकम में हाल ही में हमसे इतना आगे निकल गया है हमसे ज्यादा अमीर हो गया है अब अमीरी के साथ साथ मतलब ये भी ये अमीरी तो अमीरी अब दरिया दिल्ली भी दिखाएगा जी हां अब बांग्लादेश ने श्रीलंका से कहा है जस्ट चिल बेबी हम आपको पैसा दे रहे हैं कितना 200 मिलियन डॉलर आप में से कईयों को कैलकुलेशन नहीं आएगा सर ये होता कितना है बेटा 74 से गुणा कर लो एक मिलियन में 10 लाख होता है तो 200 के पीछे 10 लाख लगा लो उसके बाद में 74 से मल्टीप्लाई कर लो इंडियन रूपी में समझ में आ जाएगा बोले सर ऐसा हो क्यों रहा है फिर इस लोन को करेंसी स्वैप क्यों कहा जा रहा है तो लोन के अंदर एक कंडीशन रखते हो देख लो भाई तुम हो धन्य कर रहे हो बांग्लादेश मजा कर दिया तुमने झाम बांध दिया भाई मजा आ गया तुम्हारी बातों से अब तक हमारे देश में चुनाव तुम्हारे नाम पर जीते जा रहे थे कि बांग्लादेशी भारत में हैं तो उनको कैसे वापस भेजा जाए लेकिन अब उल्टा ना हो जाए गुरु मतलब ये कहीं हमारी पॉलिसी तो नहीं कि बांग्लादेशी वापस तुम्हारे अंदर चले जाएं गजब ही कर दियो यार हो क्या रहा है आइए आपको बताते हैं साथियों सबसे पहली बात तो आपको ये सिखाते हैं कि ये करेंसी स्वैप नामक चीज होती क्या है देखो साहब सिंपल सी बात समझना पहले होता है लोन लोन का मतलब होता है मैंने अगर आपको सौ दिए तो मैं आपको अगर कह रहा हूं कि ये लोन में दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं सौ रुपए ही वापस चाहूंगा आपसे मैं ये नहीं कहूंगा कि यार तू मुझे हंड्रेड डॉलर दे देना या हंड्रेड पैसों दे देना कि या फिर हंड्रेड दिनार दे देना जो भी है मैं मेरी ही करेंसी में वो चीज चाहूंगा मानते हो इस बात को यह तो होता है लोन फिर जब ये लोन ही है तो इस लोन में एक बात और होती है और वो होती है इंटरेस्ट रेट अर्थात जब मैंने यह कह दिया कि आपको इंटरेस्ट पे करना है इसका मतलब हुआ कि जब लोन दिया जा रहा है तो आप लोगों को इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी देना होगा इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि आपको अगर मैंने कहा कि दस परसेंट इंटरेस्ट पर आपको यह चीजें पे करनी है इसका मतलब होगा कि आपको सौ का एक लौटाना होगा अगर आप सौ का एक सौ दस लौटाने की स्थिति में नहीं है तो भाई साहब हम आपको लोन नहीं देंगे यानी कि जो जिस करेंसी में लोन लेता है वही करेंसी लौटाता है लेकिन साहब ये करेंसी स्वैप क्या होता है आइए थोड़ा सा बताते हैं करेंसी स्वैप में ये होता है मालिक यदि एक कंपनी ने या एक देश ने दूसरे देश से लोन लिया तो लोन लेने के लिए उसको सुविधा यह दी जाती है कि लोन तो वो जिसमें चाहे उसमें ले ले तेरे को डॉलर चाहिए डॉलर ले यूरो चाहिए यूरो ले रुपया चाहिए रुपया ले और सुन परेशान मत रहना तेरे पास जो करेंसी है उसमें अपन को दे देना कोई चिंता नहीं है ये होता है करेंसी स्वैप समझे कुछ जरा जबरदस्त तरीके से इस बात को समझने का प्रयास करिए साथियों महत्वपूर्ण है इसलिए समझना जरूरी है क्या है फिर से सुनिए करेंसी स्वैप के अंदर होता यह है और इस बात को बेहतरीन तरीके से समझने की आवश्यकता भी है आप लोगों को मैं इसे प्रॉपर तरीके से एक तरीके से समझाना चाहूंगा मान लीजिएगा कि आपने ये एक कंट्री है और ये ए देश है और ये बी देश है आपने इन दोनों देशों के बीच में व्यापार की बात देखी आपने इनसे कहा मान लीजिए ये ए देश जो है वर्तमान में बांग्लादेश है इसको समझना और यहां से थोड़ा सा अब इज्जत देना बांग्लादेशी बांग्लादेशी कहकर चिढ़ाते हो लोगों को इधर की तरफ बी देश में आपके सामने हमने रख दिया श्रीलंका एक तो ना हमको इस बिचारे श्रीलंका पर तरस आता है मतलब कोई इतना भी कर्जा ना ले जिसकी कर्जा रुपया कर ले, उसकी हालत ऐसी ही होती है बांग्लादेश ने इसको कहा है कि तुम दो मिलियन डॉलर हमसे ले लो बोले ओके कितना डॉलर लेने की बात हुई है बोले ठीक है बोले काम करना जब तेरे पास होना भाई तो अपना रुपया लौटा देना बोले क्या रुका लौटाऊ बोले तुम्हारी खुद की करेंसी क्या है तुम तो यह बोलो बोले साहब हमारे यहां तो रुपया चलता है बोले इंडिया वाला की खुद, हमारा खुद का श्रीलंकन रुपया चलता है बोले कोई बात नहीं तुम रुपये में हमको लौटा देना और बोलो बोले सर लेकिन आप एक चीज भूल रहे हो क्या ये 200 मिलियन रुपया आएगा क्या नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं इतना भी दातार नहीं हुआ है ये पहले समझिए मुद्दा क्या है पहले ये है एक डॉलर अब ध्यान से सुनना बेटा एक डॉलर जो है मान लीजिएगा वर्तमान में चल रहा है अस्सी रुपए श्रीलंकन रुपीज में चल रहा है एस एल आर में श्रीलंकर जो नेशनल करेंसी है उसमें चल रहा है ठीक है ना अच्छा तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अस्सी रुपए के हिसाब से अगर श्रीलंका में चल रहा है ये एक डॉलर अगर अस्सी रुपए का है तो आपको जो दर यहां पर दिखाई पड़ रही है ये कोई फिक्स तो है नहीं डॉलर का भाव तो ऊपर नीचे होता रहता है मान लीजिएगा ये 75 से घट करके पैंसठ रह गया या पिछहत्तर से बढ़कर के पिचासी रह गया तो फिर सवाल बना सर किस भाव से आप लेने वाले हैं एक डॉलर का पिचासी रुपया लेंगे पैंसठ लेंगे या पिछहत्तर लेंगे तो यही याद रखना है कि जब करंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है तो भाई साहब करंसी स्वैप एग्रीमेंट में यह कहा जाता है कि जो प्री डिसाइडेड एक्सचेंज रेट है एक्सचेंज का मतलब हुआ मुद्रा विनिमय दर डॉलर के मुकाबले इतना रुपया मिलेगा तो इतना रुपया मिलेगा तो इसके इक्वलेंट रुपया पहले फिक्स कर लिया जाता है अर्थात यह कह दिया कि चाहे डॉलर यहां से अभी मान लीजिए पिछहत्तर रुपए चल रहा है बढ़कर के सौ भी हो जाएगा ना तुम बेटा पिछहत्तर ही देना और बोलो हम तुमसे डॉलर के मुकाबले पैसा नहीं कमाना चाहते तुम अपनी गरीबी मिटाओ समझे ये कौन बोला बांग्लादेश बोला आप पूछेंगे सर एक बात बताइए जो कभी खुद मांग के काम चलाता था अब वो दान कर रहा है बेटा समझ जाओ दुनिया में प्रोग्रेस बहुत जरूरी है और प्रोग्रेस में बांग्लादेश आगे निकल गया अच्छा एक बात और बताएं असल में क्या है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन जिसे आप कहते हैं सार्क असल में साथियों क्या हुआ था वंस अपॉन ए टाइम दुनिया के अंदर सार्क देशों ने मिलकर के सार्क में कुल कितने देश हैं आठ देश हैं उन आठ देशों में हम सोच रहे थे कि हम सार्क का मैप लेकर के आए लेकिन हमारी जो टीम है वो कहीं और गायब हो गई है कोई नहीं हम शायद सार्क का मैप ही नहीं लाए हैं कोई बात नहीं साथियों ध्यान से सुनिएगा हाँ ये चलो आठ देश हम इसमें दिखा दिए हैं साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन अगर हम आपको दिखाएं तो आप इसे देखने का प्रयास करिए काठमांडू में इसका मुख्यालय है अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल और पाकिस्तान श्रीलंका इन साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन वालों ने 2012 में वादे किए थे एक दूसरे से क्या वादे किए थे कि देखिए ऐसा है कि अपन आपस में तो कम से कम आठ देश तो आपस में मिलकर के करंसी स्वैप कर ही लेंगे उस समय इन सबके बड़े पापा यह हुआ करते थे इंडिया वाले इनने कहा हाँ बच्चों चिंता मत करो तुमको जिसको भी चाहिए हमसे ले लो हमने सबको करेंसी स्वैप किया हमने कहा जिसको पैसा चाहिए हमको ले लो पाकिस्तान का तो खैर ईगो क्लैश हो जाता है वो कहता है हम कटोरा लेके थोड़ी खड़े हैं लेकिन जिसको चाहिए हमसे पैसा ले लो और हमने भारत सरकार ने इस चक्कर में दो में दो में अपने यहां पर आरबीआई को मतलब सीधा ही हमने भारत सरकार को भी इन्वॉल्व नहीं किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कह दिया कि बेटा तुमको हम अधिकार दे रहे हैं कि तुमसे अगर कोई पैसा मांगने आए ना तो दो बिलियन डॉलर तक तो पूछना भी मत दो बिलियन डॉलर तक तुमको अगर पैसा बांटना है बांटो ये तुम्हारा अधिकार है इंडिया सरकार ने आरबीआई को अधिकार दो में दे दिया था और ऐसा नहीं है कि दुनिया के लोग हमसे पैसा मांगने नहीं आए ये श्रीलंका है ना यह हमसे पैसा मांगने आया था लास्ट ईयर पैसा मांगने आया था और इसने लेकिन मुंह खोल के मांगा एक ही बार में कि हमें वन बिलियन डॉलर दे दो हमने कहा क्यों भाई बोले हमको कर्जा चुकाना है बोले भाई तुम्हारी हालत कैसी खराब चल रही है बोले सर हमारी हालत इतनी खराब है अब श्रीलंका की हालत सुनो मतलब देखो यार श्रीलंका है वैसे कुटाट प्रकार का मतलब ये हमारे साथ जो है ना ये क्रॉस वो कर रहा है मतलब एक प्रकार से क्रॉस ट्रेड कर रहा है ये इस चक्कर में इंडिया इसको छोड़ दिया तू जी तेरी जिंदगी जा सिमरन जी ले तेरी जिंदगी ये जो श्रीलंका है ना इसने हमारे साथ थोड़ी गुस्ताखी करी यार हालत इसकी भाई साहब वही है घर में नहीं दाने और मम्मी चली भुनाने भाई ये बातें कर रहा है बड़ी बड़ी हम टोटा चाहिए कोलंबो चाहिए वर्ल्ड सिटी चाहिए दुबई सिंगापुर इन श्रीलंका चाहिए और भाई साहब पैसे की हालत बताएं आपको हालत ये है कि इसके पास इसका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो चार मिलियन डॉलर का है कितना है ध्यान से दोबारा सुनना बेटा चार मिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है और इस साल बताएं आपको इसको कर्जा कितना चुकाना है चार पॉइंट पांच मिलियन डॉलर इसकी किस्त जानी है ये बिल्कुल ऐसे है आपकी नौकरी लगी लाख रुपए की और आपके ऊपर डेढ़ लाख रुपए की ईएमआई चल रही है तो कैसे चुकाइएगा कर्जा लीजिएगा ना कहीं से तो वो कर्जा लेने ही निकला हुआ है। तो ये इंडिया के पास आया इंडिया के पास आया आरबीआई से कहा कि हमें पैसा चाहिए आरबीआई ने कहा ठीक है तुम्हारी तुम्हारी स्थिति बताओ इकोनॉमिक स्थिति क्या है कैसे पैसा चुकाओगे बोले सर हम लोग टूरिज्म से पैसा चुका देंगे अच्छा हमारे यहां पर जो देखिए आपने बढ़िया बढ़िया पोर्ट देख लिए हैं इनसे पैसा चुका लेंगे बोले पैसा चुका देंगे निन्यानवे साल के लिए हम टोटा तुम बेच चुके

एक सेठ जी हैं आपकी शॉप में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं और कर्मचारियों से आपका पड़ोसी जो है ना मतलब आपसे पहले आपका पड़ोसी आता था उधार मांगने के लिए कि भाई साहब उधार दे दो लेकिन अब ये हो रहा है कि सेठ जी की दुकान में जो सफाई कर्मचारी भी काम कर रहा है ना उससे भी अगर कोई कर्जा मांग के ले जा रहा है तो जरा सोचिए हालत क्या हो रही है हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है इंडिया एकदम बड़े पिताजी बने बैठे हुए हैं इनके बगल में से पता है कि कुछ नहीं कर पाएगा तो बांग्लादेश जिसको इंडिया पैसा देता है उससे यार ही दे दो यार और कुछ नहीं है तो, तो बांग्लादेश से उठा करके दो मिलियन डॉलर ही अपने पास ले गया है लेकिन मजेदार बात यह है कि भाई बांग्लादेश पैसे दे करके ना इंडिया के मुंह पे तमाचा मार दिया है सेविंग करना हमसे सीखो आई आप लोगों को लग रहा है कि आप बढ़िया कर रहे हैं हमसे सीखो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व पैंतालीस बिलियन डॉलर का है बांग्लादेश के पास फॉरेक्स रिजर्व 45 बिलियन डॉलर नंबर्स को ज्यादा फोकस करिएगा आप कहेंगे सर इंडिया के पास तो बहुत है तो बेटा आबादी भी तो आपके पास बांग्लादेश से नाइन टाइम्स ज्यादा है आप जरा सोच के देखिए हमारे हमारे पास 400 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है विदेशी मुद्रा हमारे पास इनके पास 45 बिलियन डॉलर का मजाक नहीं है श्रीलंका की हालत सोचिए चार मिलियन डॉलर का फॉरेक्स पाकिस्तान से बुरी हालत है मतलब पाकिस्तान के खिलाफ हमारे अंदर थोड़ी क्या है ज्यादा एग्रेशन है इसलिए हम पाकिस्तान की बातें ज्यादा कर लेते हैं अदरवाइज तो एकदम फेलियर स्टेट बैठा हुआ है श्रीलंका अगर विदेशी व्यापार नहीं हुआ और टूरिज्म चालू नहीं हुआ कोरोना की छाप चच्चा जो कोरोना वाले हैं चाइना वाले वो ऐसे ही छोड़े रहे तो श्रीलंका बर्बाद हो जाना तय है बांग्लादेश से मांगने की नौबत आ गई है लेकिन हां इंडिया के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक भी है क्यों है क्योंकि भारत के नीचे ही एक देश इतना बड़ा बन गया जो देश जो है वो कभी भारत के लिए एक अपने आप में इन्वेस्टमेंट का जगह रहा था भारत जहां इंजन भेजा करता था कभी वहां दाने भिजवाया करता था वहां पर शांति के लिए कोई काम करवाता था बांग्लादेशियों को समस्या मानता था आज वो देश दूसरों को पैसा दे रहा है ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है और सार्क के अंदर आया हुआ एक बड़ा बदलाव है और पूरी दुनिया आप ही नहीं पूरी दुनिया हैरान है इस बात से यार ये क्या हो गया ठीक है ना तो उम्मीद है आपको संपूर्ण तरीके से बातें समझ में आ गई होंगी ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन चल रहे हैं और भैया सुनो इंडिया के लिए तो स्पेशली ये इंटरनेशनल रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने केवल ये कहा है कि देखो जी अपन तो परिवार वाले हैं सार्क के मेंबर हैं और सार्क के मेंबर तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर ही रखे हैं तो हम कोई नया काम थोड़ी किए हैं भाई साहब बांग्लादेश इसमें और एक कदम ऊपर बन के दिखा रहा है अरे कुछ नहीं कुछ नहीं बस थोड़े हम्बल हो रहे हैं हम लोड मतलब पैसा चाहिए ना ले जाइए अपन सार्क वाले हैं चिंता का कर रहे हैं मजा तो तब आएगा जब बांग्लादेश पाकिस्तान को लोन दे देगा भाई हम उस दिन जो है ना बढ़िया पटाख चलवाएंगे आप सबसे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों यू अंडरस्टैंड द करेंसी करेंसी स्वैप स्वैप डिस्कस प्रो एंड एंड कॉन्स ऑफ एक्सप्लेन हाउ इट एक्ट एज ए टूल फॉर क्वान्टिटिव इजिंग ऑफ इंडियन इकोनॉम ये आपको आज का प्रश्न है अभ्यास कर लेना चाहिए बांग्लादेश ने करेंसी स्वैप श्रीलंका को देना तय कर लिया है दो मिलियन अमरीकी डॉलर की सुविधा देगा उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी ठीक है ना चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल बाप नहीं बन गया है बेटा पोता बाप बन गया है बेटा तो पाकिस्तान था अपना पोता है पाकिस्तान के बाद भाई सब पैदा आप ही करवाए थे इसको मैडम इंदिरा गांधी जी के समय पर बांग्लादेश बनवाया गया मोदी जी की समस्या ये हो रही है मोदी जी भी कह दिए हैं कि बांग्लादेश निर्माण में उनका भी सहयोग रहा है अब वो फिर सोच रहे हैं ऐसा हुआ ही ना होता अगर बांग्लादेश ना बना होता समझे मुसीबत बहुत है भाई क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं साथियों हाल ही में सन हालो इफेक्ट हाल ही में चर्चा में रहा है चर्चा में ऐसा रहा भाई साहब कि बेंगलुरु के लोग जो हैं एक तो सबसे बड़ी बात क्या है ना जी एक बात बताते हैं ये तथ्य याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है याद कर लेना इसे 22 डिग्री हेलो इफेक्ट भी कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है याद कर लेना ट्वेंटी डिग्री सर्क्यूलर हेलो इफेक्ट या फिर कैलिडो इफेक्ट कहा जाता है दोनों ही टर्म याद कर लेना पेपर परस्पेक्टिव से प्रिम्स में पूछा जाएगा जोग्राफी का फीचर है एक तो क्या है कि बेंगलुरु जो है ना वो हो गया एक टेक्नोक्रेट्स का देश शहर हो गया क्यों क्योंकि अब जैसे हमारे अन का ऑफिस भी वही है अन का ऑफिस वही है ऐसे ही फ्लिपकार्ट का वही है बायजूज का वही है जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोक्रेट कंपनियां है ना टेक्नोलॉजी से चलने वाली कंपनियां हैं वो सारी वही है और उनका दिमाग जो है ना वो पूरी समय पूरी दुनियादारी में घूमा रहता है दुनियादारी में घूमा रहता है हद तब हो गई भाई साहब इन लोगों ने एक है ना सूरज के चारों तरफ इस प्रकार से रिंग बनी हुई देख ली अभी मतलब मंडे की बात है ये सूरज के चारों तरफ जो है इस प्रकार से मैं आपको फोटोज दिखाऊं एक बार देखिएगा इस प्रकार से सूरज के चारों तरफ ऐसी रिंग बनी हुई देख ली अपन लोगों के लिए कॉमन है यार ये मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी नोटिस भी किया हुआ तो इग्नोर कर दिया हाँ ठीक है अपने गांव में दादा दादी से पूछना वो लोग ना पूरी तरह से कह देंगे कि बारिश होने वाली है भाई दिख रहा है ना तेरे चंदा के सामने चांद के सामने वो चारों तरफ रिंग बनती दिख गई ना बारिश होगी बेंगलुरु वालों ने पहली बार देखा बेंगलुरु वालों ने पहली बार देखा और देख करके भाई साहब पूरी तरह ये फोटो लिए और धड़ाधड़ धड़ाधड़ भाई साहब ट्विटर पर मार दिए ट्विटर पर मार दिए सब जगह शेयर हो गया और भाई साहब कई तो कलाकार कलाकार क्या कई तो ये चीज फोकस करवा दिए कि क्या एलियंस आ रहे हैं और भाई साहब बेंगलुरु में ही आएंगे वो क्यों क्योंकि वो पढ़ पढ़ के पगला गए हैं सब लोग ना कि एलियंस आ रहे हैं और भाई साहब ये ट्रेंड हो रहा है एलियंस आ रहे हैं बोले ये कैसे पता बोले एलियंस का जहाज देख लिया इन सब ने है हालो इफेक्ट दिखाई दे गया एलियंस आ रहे हैं विटनेस रेयर हालो अराउंड भाई साहब फोटोज वायरल हो गई फिर हमारा नंबर आया हमने कहा हम समझाते हैं कि ये है क्या ये है ट्वेंटी टू डिग्री हालो पहले बादल बनना सीखो इंजीनियरिंग में नहीं रखा है सब ज्योग्राफी में रखा है थोड़ा दुनिया सीखो तो बात है मेरे प्यारे साथियों वर्तमान में दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की जहां पर लोगों ने हाल ही में हालो इफेक्ट देखा और हल्ला मचा दिया और इस हल्ले के बीच में हम अब आपके सामने सारी बातें कर रहे हैं हमारे पता नहीं टीम आपको दिखाना क्या रही है अरे रुको यार छोड़ो छोड़ो हा भाई देखो ध्यान ध्यान से यहां पता चले कि कोई भैया खेल रहे हो और दिख जाए ठीक है तो भाई ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि जो चीज है इसको समझाने के लिए अब हम आपको थोड़ी सी बात बताते हैं बड़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोगों ने जो है फोटो बना के डाल दी ये तो अच्छा हुआ कि कोई भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के ना खड़ा हो गया जैसे ना एक फोटो पर हम भी ट्राई मार सकते हैं मान लीजिएगा हम यूं करके खड़े हो जाएं अपने पीछे हालो इफेक्ट बन जाए ये देखो भगवान बुद्ध वाली फीलिंग आ रही है एकदम हाँ तो मेरे प्यारे साथियों हालो इफेक्ट होता है 22 डिग्री पर बनने वाला वो इफेक्ट जिसे कैलिडोस्कोप इफेक्ट के नाम से भी आप जानते हैं प्रवचन हो गए भाई ये चलो आगे की बात सुनते हैं तो हो क्या रहा है लोग बढ़िया बढ़िया फोटो डाल दिए हैं देख रहे हैं आप ये देखिए कितना गजब गजब फोटो डाल दिए अब इसके पीछे की एक जोग्राफी है जरा उसे समझने का प्रयास करते हैं जोग्राफी कुछ यूं है साथियों हम लोगों को ना बादलों के प्रकार पता होने चाहिए किसके प्रकार पता होने चाहिए भाई साहब बादलों के प्रकार पता होने चाहिए और बादलों के प्रकार प्रकार में क्या है देखिए आप लोग जहां बैठे हैं इससे 2000 मीटर की ऊंचाई तक 2000 से 7000 मीटर की ऊंचाई तक और 7000 से ऊपर की ऊंचाई पर बादल अलग अलग प्रकार के होते हैं बीच में लो क्लाउड है उसके बाद में मिडिल क्लाउड है और उसके ऊपर अपर क्लाउड है क्लाउड्स के अंदर अलग अलग प्रवृत्तियां पाई जाती है जैसे अगर क्लाउड्स चद्दर के रूप में पाए जाए यानी कि एक परत के रूप में एक स्ट्रेट परत के रूप में पाए जाए तो ये स्ट्रेटस कहलाते हैं अगर बादल जो हैं ये जैसे रूई का वो नहीं होता है जैसे रूई कपास के आपने अगर वो बना दिए हो कपास के अगर गोले से बना दिए हो तो ये क्यूमुलस कहलाता है कैसा कहलाता है क्यूमुलस तो स्ट्रेटस तो क्या है स्ट्रेट के रूप में हो जाए क्यूमुलस का मतलब जैसे कपास का आप गूंद गूंद नहीं देते हैं तो वैसा जो हो जाए तो वो क्या है क्यूमुलस हो जाता है तो स्ट्रेटस समझ में आ गया क्यूमुलस समझ में आ गया अब इससे ऊपर क्या होता है बीच वाली जो जगह होती है ना इसको अल, अल्टो कहते हैं हालांकि अल्टो जो है मारुति की सबसे छोटी कार है लेकिन मतलब क्लाउड्स के मामले में बीच वाला क्षेत्र अल्टो कहलाता है तो क्यूमुलस यानी बादल जैसा जो कपास जैसा बादल है वो अगर हमें मध्य क्षेत्र में दिखाई दे तो अल्टो क्यूमुलस कहलाता है और अगर ऊंचाई और ज्यादा हो जाए तो ये जो क्लाउड्स हैं ये बहुत ही बारीक बारीक चद्दर जैसे क्लाउड हो जाते हैं और इन क्लाउड्स को मेरे प्यारे साथियों कहा जाता है इन क्लाउड्स को कहा जाता है सीरो क्लाउड क्या कहा जाता है सीरो क्लाउड कहा जाता है सीरस क्लाउड कहा जाता है अब आप पूछेंगे सर सीरस क्लाउड में ऐसा होता क्या है तो सीरस क्लाउड में क्या होता है साथियों कि क्लाउड पूरी तरह बर्फ का बना हुआ होता होता है है किसका बना हुआ होता है? बर्फ का बना हुआ हुआ बर्फ का क्लाउड होता है अब आप पूछेंगे सर इस बर्फ के अंदर क्या होता है साथियों बर्फ जो है ना वो असल में करती क्या है कि लाइट को इस प्रकार से रिफ्रैक्ट कर देती है कितना डिग्री से रिफ्रैक्ट करती है 22 डिग्री से रिफ्रैक्ट करती है रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का अपनी दिशा को बदल लेना जो दिस, मतलब अगर आप कभी देखें मान लीजिएगा मैं आपको इस प्रकार से दिखाऊं कि ये जो है ना इस प्रकार का जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसमें होता क्या है इसमें होता ये है कि सूरज के चारों तरफ जो वो बने हुए हैं बादल उनमें बर्फ है और जो बर्फ है ना साथियों वो हेक्सागोनल इन शेप है सठ प्रकार की शेप है वो सठ प्रकार की जो शेप है उसमें सूरज की रोशनी जब जाती है तो वो उसमें रिफ्रेक्ट होती है रिफ्रेक्ट होने का मतलब हुआ उसके अंदर रिफ्रेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं तो, है, है तो यहां पर क्या होता है जब सूरज की रोशनी घूमती है तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों रिफ्रेक्शन होता है और रिफ्रेक्शन के कारण वो लाइट सीधी सीधी जाती हुई 22 डिग्री मुड़ जाती है 22 डिग्री मुड़ने से ये कलर्स बनने लगते हैं इसलिए इसे ट्वेंटी टू डिग्री हालो कहते हैं यानी कि बादलों पर सूरज की जो रोशनी पड़ी है उस सूरज की रोशनी के कारण लाइट का जो रिफ्रेक्शन हुआ है उसके कारण सूरज के चारों तरफ बादलों के आ जाने से यह चीज दिखाई पड़ती है उम्मीद है सभी साथियों ने यह बात ढंग से समझ ली होगी कि यह क्यों बनता है इधर की तरफ और अच्छे से देख सकते हैं इन ये क्रिस्टल्स हैं जो कि हेक्सागोनल इन शेप हैं। का मतलब हुआ कि आइस के जो क्रिस्टल्स हैं वो शट कौ प्रवृत्ति के बने हुए हैं जो सीरस क्लाउड में पाए जाते हैं जब उन तक लाइट पहुंचती है तो वो मुड़ जाते हैं मुड़ने के कारण उनके अंदर कलर में परिवर्तन आता है जिसे हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं ये है हेक्सागोनल ज्योमेट्री जिसमें ट्वेंटी टू डिग्री का हालो बनता है जिसके कारण ये क्लाउड दिखाई देते हैं ये जो क्लाउड आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर नॉन एज द सीरो क्लाउड क्लियर तो इनकी वजह से ये सारा होता है उम्मीद है सभी साथियों ने बहुत अच्छे से ये बात समझ ली है क्या फीचर था क्या कुछ हुआ उम्मीद है आप लोगों को बड़ी बात समझ में आ गई होगी क्लियर है यही सारा की सारा चर्चा का विषय था ट्वेंटी टू डिग्री था ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ अगला सवाल क्या है तो हम आपको समझाते हैं बहुत ही प्यारा सवाल है साथियों आपको मालूम होगा आप में से बहुत सारे लोग इन दिनों है ना बहुत अच्छे अच्छे क्लास के विद्यार्थी भी होते हैं बहुत सारी चिंताओं से ग्रसित भी होते हैं आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे यह सवाल भी पूछा है कि सर एक बात बताइए भारत सरकार के द्वारा राइट टू एजुकेशन तो बनाया गया RTE, जिसके तहत कहा गया था कि बच्चे स्कूल आए स्कूल में उनको छह से चौदह साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा तमाम बातें हुई थी और उसी दौरान सर सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए एक काम और किया गया था और वो क्या था उन्हें मुफ्त में भोजन मध्यान्होजन भोजन बोले तो मिड डे यानी दिन के मध्य में भोजन देने की व्यवस्था की गई थी तो सर ये जो मिड डे मील थी ये तो स्कूल तो इतने लंबे समय से बंद पड़ी है तो सर फिर इनके साथ क्या हो रहा है सर कह रहे हैं विद्यार्थी कह रहा है अंकित कुमारी नाम है इनका सर आप अरूप, अरूप के साथ घर पर खेलते ही रहते हैं क्या ऐसा लगता है हाँ भाई हाँ उनके साथ कभी बताएंगे आपको कभी उनके साथ अलग से सेशन लेकर के आएंगे उनका अलग ही माहौल है साहब चलिए तो आगे सुनिए मेरे प्यारे साथियों तो तो हुआ क्या तो साहब मुद्दा ये है कि जो मिड डे मील है तो होता यह था आप में से पता नहीं कितने लोगों ने सरकारी मतलब उनके अंदर पढ़ाई की है स्कूलों के अंदर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं और मेरे समय में हालांकि मिड डे मील नहीं था लेकिन बाद में मिड डे मील शुरू हुआ जिसमें दिन भर में एक बार बच्चों को खाना खिलाया जाता था क्लास एक से लेकर आठ तक के बच्चों को खाना खिलाने का प्रावधान था उस पूरे खाने का खर्चा जो है वो सरकार उठाती थी स्पेशली केंद्र सरकार उठाती थी है ना लेकिन आप देख लीजिए 2020 पूरा लॉकडाउन में चला गया 2021 लॉकडाउन में चला गया खाना क्यों खिलाती थी क्योंकि बच्चा पढ़े भी और पढ़ने के साथ साथ उसके अंदर जो कुपोषण है वो खत्म भी हो ऐसी स्थिति में अब जाकर के सरकार को यह लगा है कि भाई इतने दिनों से हमने बच्चों तक भोजन पहुंचाने की तो व्यवस्था करी नहीं जो स्कूल आते थे उन्हें भोजन मिल जाता था लेकिन अब क्या करें इसके लिए भारत सरकार में शिक्षा मंत्री निशंक जो अपने निशंक जी हैं इन्होंने हाल ही में क्या किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने विद्यार्थियों के जो गार्जियन हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भिजवाने का निर्णय लिया है जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं तो यह एक अच्छा प्रयास है आप इसे याद कर सकते हैं और आप लोग जब आंसर राइटिंग लिखेंगे ना साथियों तो इसे याद करके

कुछ जरूरी बातें हैं पोखरियाल अपने द्वारा इस बात को अनाउंस कर रहे हैं और हम अनाउंसमेंट तो आपको शायद ही सुना पाए कोई नहीं जी इनकी आवाज थोड़ा शायद म्यूट पर है माइक ऑन करना भूल गए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों तो हाल ही में क्या हुआ है साथियों अब मैं आपको एक एक करके यहां पर कुछ बातें बताता हूं सबसे पहली चीज है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब होता है आपको जो लाभ सरकार देना चाहती है वो सीधे आपके अकाउंट में दे वो कहलाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसके लिए भारत सरकार ने बड़ी संख्या में जनधन आधार मोबाइल अकाउंट खुलवाए थे उनमें से ये वाली बात आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए महेश कुमार लिख रहे हैं गुरु हमारी पढ़ाई पूरी पढ़ाई सरकारी में हुई है फ्री में भी भाई फ्री में एंड भाई मिलता था हाँ बिल्कुल है ना सरकारी स्कूल में मेरी भी पूरी ऊपर तक की पढ़ाई जो है ना इवन मतलब आईआईटी तक में मैं फ्री में ही पढ़ाऊँ और इवन स्कॉलरशिप लेके भी पढ़ाऊं ठीक है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो सरकार ने सबसे पहले कब शुरू किया था तीन चीजें अलग अलग है देखिए दोबारा इन सब चीजों को समझना मिड डे मील स्कीम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भारत सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक जनवरी दो को शुरू किया था जिसमें जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनके अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाया जाता था जैसे किसानों के लिए सब्सिडी पहुंचाना हो गया विद्यार्थियों को उनकी स्कॉलरशिप पहुंचाना हो गया मनरेगा मजदूरों को उनकी तनखा पहुंचाना हो गया ये सीधा अकाउंट में जाता है तो इसमें होता क्या है इसमें डायरेक्ट बैंक से उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा चला जाता है फिर दूसरी स्कीम है साथियों कहते हैं कि इसकी शुरुआत तो 1995 सौ में हो गई थी शुरू कर दी गई थी मिड डे मील स्कीम लेकिन केवल 2400 सौ में यह स्कीम शुरू की गई थी उसके बाद में साथियों 2021 के 2001 के अंदर प्रत्येक राज्य में इस स्कीम को लॉन्च किया गया फिर 2007 में जाकर के जो अपर प्राइमरी स्कूल है पहले प्राइमरी स्कूल तक यानी से तक के लिए था उसके बाद में अपर प्राइमरी बोले तो से के लिए भी लागू किया गया 2009 में जब राइट टू चिल्ड्रन फ्री एजुकेशन हो गया था कंपलसरी एजुकेशन यानी आर आ चुका था दो के अंदर उस समय इसको मैंडेटरी कर दिया कि प्रत्येक स्कूल के अंदर एक किचन होगी और हर स्कूल गर्म भोजन बना करके बच्चों को दोपहर में खिलाएगा 2013 के अंदर तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2009 उसके माध्यम से यह चीज लीगली कंपलसरी कर दी कि यह बच्चों का एक लीगल राइट हो गया है कि मूल अधिकार हो गया है कि उन्हें भोजन प्राप्त होगा ही स्कूलों के अंदर जो कि सरकारी मदद से चल रही हैं तो ये सारा की सारा प्रयास था जो मैंने आपको बता दिया आपसे कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कितना कैलोरी भोजन उपलब्ध करवाया जाता है इधर देखिए साथियों कैलोरीज की अगर मैं बात करूं तो एक से लेकर पांच तक की क्लास के बच्चों को चार कैलोरी और बारह ग्राम प्रोटीन दिया जाता है और यहां पर जो अपर प्राइमरी है आठवीं क्लास तक के बच्चे जो हैं उन्हें सात कैलोरी और प्रोटीन के अंदर 20 ग्राम दिया जाता है जो अपनी एक चपाती होती है ना जो अपन रोटी खाते हैं सिंगल चपाती उसमें 120 कैलोरी के आसपास होता है 120 से 130 कैलोरी होता है तो दो तो चपाती एक स्पून दाल जो होती है उसमें लगभग 100 कैलोरी होता है तो इस प्रकार से दो कटो दो चपाती और दाल से ही लगभग 360 कैलोरी बन जाता है फिर एक स्वीट डिश भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं जिससे कि अपने आप जो कैलोरी का इंटेक है वो पूरा हो जाता है ठीक है ना यह कार्य साथियों यहां पर करना प्रयास किया गया क्यों किया गया था यह इससे स्कूलों के अंदर छात्रों की संख्या बढ़े बच्चों की अटेंडेंस बढ़े उन्हें गर्म खाना मिले जिसकी वजह से उन लोगों का स्कूलों में आने का वो बढ़े और इसकी वजह से बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ हो ऐसा कार्य इसलिए किया गया था किन किन में था सरकारी स्कूलों में सरकारी संस्थाओं से सम्मान मतलब सरकारी जो मदद है उससे चल रही स्कूलों के अंदर लोकल बॉडी के द्वारा चलाई जा रही स्कूल जिनमें भी सरकारी मदरसा मकताब इन सबके अंदर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी क्लियर बेटा तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी बहुत सारे राज्यों ने यह नेशनल फूड सिक्योरिटी दो 2013 में आया था बहुत सारे राज्यों ने क्या किया था कि प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिए जैसे राजस्थान में ना बहुत सारी जगह पर अक्षय पात्र करके एक फाउंडेशन है इसको वालों की मदद से चलता है उनको भी टेंडर दिया हुआ है कि वो खाना बनाते हैं यही कारण है कि राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी रोटी बनाने की मशीन जो है ना वो अक्षय पात्र वालों के पास लगी हुई है शायद एक घंटे में एक लाख रोटी या कुछ इस तरह का नंबर है आप गूगल कर लीजिएगा आई एम नॉट वेरी मच श्योर लेकिन सबसे ज्यादा रोटी बनाने की मशीन लगी हुई है क्योंकि वो रोटियां बनेंगी और मिड डे मील के लिए वो पैक होकर के आसपास के क्षेत्रों में बटने चली जाएंगी तो ये एक प्रकार से सीएसआर एक्टिविटी भी हो गई सहायता भी हो गई और सरकार के द्वारा मदद भी हो गई तो ये एक अच्छा प्रयास है साथियों है ना तो यह आपने समझ लिया नेशनल

28 मई को वीर सावरकर वीर दामोदर सावरकर की 138वीं जयंती मनाई गई साथियों कौन थे वीर सावरकर आइए हम आपके साथ में सारी बातें करते हैं साथियों 28 मई को वीर सावरकर की 138वीं जयंती मनाई गई आइए हम बनाते हैं विनायक दामोदर सावरकर जो कि भारत के एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता और ओजस्वी वक्ता थे उनको भारत के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री इन सब अपनी तरफ से याद किया और अपनी तरफ से ट्रिब्यूट शेयर किए साथियों वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई अठारह को हुआ था और इनका जो स्वर्गवास है वो 26 फरवरी 1966 को हुआ था साथियों वीर सावरकर जी को कहा जाता है कि ये भारत के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे एक बहुत अच्छे वक्ता थे एक कवि थे लॉयर थे थे एक ऑथर साथियों एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में भी इनको पढ़ा जाता है साथियों इनको वर्ष उन्नीस के अंदर अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं ये हिंदू नेशनलिज्म के लिए भी जाने जाते हैं और इनके द्वारा अभिनव भारत का इस्तेमाल किया अभिनव भारत संगठन का निर्माण किया गया था साथियों इनको जो मोटिवेशन मिला था वो लाला बाल गंगाधर और विपिन चंद्रपाल से मिला था साथियों 1911 के अंदर इन्हें एक के चलते, मतलब ये जब ब्रिटेन का राजा यहां आ रहा था उसको मारने की और नासिक के जो आ, कलेक्टर थे जैक्सन के, के प्रयास के चलते पचास साल की सजा सुनाई गई और इन्हें सेल्यूलर जेल में डाल दिया गया निकोबार में है, जिसे काला पानी भी कहा जाता है वहां पर डाल के

है या कोई चीज है मैं केवल आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो थोड़ा सा इस बात में आपसे चर्चा कर ली जाए ध्यान से सुनिएगा साथियों इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जो काफी ज्यादा चर्चित रही है और वो है साथियों द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इन्होंने इतिहास लिखा था जिसमें इन्होंने 1857 में हुए सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल किए गए छापामार युद्ध के गुर के बारे में लिखा था अच्छा अब होता क्या है मैं आपको थोड़ी सी बात यहां पर बताऊंगा जन्म जिनका अठारह में हुआ वो अब किताब लिखे हैं अठारह के बारे में पहले इसको ऐसे समझते हैं साथियों की क्रांति ऐसी थी क्रांति जिसके बारे में अंग्रेजों ने कभी भी रेस्पेक्ट नहीं दिया था रेस्पेक्ट नहीं दिया था का मतलब होता है अंग्रेज उसे यह माना करते थे कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह था उसे स्वतंत्रता संग्राम जितनी कभी भी इज्जत नहीं दी गई ठीक है भारतीयों के भी मन में उस बात को नहीं प्रसारित होने दिया गया कि अंग्रेजों को दबाव में लाने के लिए उस समय अठारह में जो किया गया प्रयास था वो considerable भी था मैं आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारी देता जो थे ना साथियों उन्होंने क्या प्रयास किया था आपको याद हो तो उन्होंने उन राज्यों के ऊपर ट्रीटी लाद दी थी जिनके खुद की संतान नहीं है वो फिर से अपनी किसी गोद ली हुई संतान को क्या नहीं बना सकते थे सत्ता नहीं सौंप सकते थे देश के राजाओं के राजाओं ऊपर उन्होंने कंडीशन ला दी थी ऐसी स्थिति में में उन राज्यों जिनकी खुद की संतानें नहीं थी उन राज्यों में उन राज्यों को ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता में मिला लिया था इसका विरोध होना शुरू हुआ बहुत सारे रजवाड़ों में दूसरा कारण अठारह की क्रांति में एक कारण और निकल के आया था और वो कारण ये था कि अंग्रेजों की जो राइफल्स इस्तेमाल की जा रही थी उसमें जो कारतूस इस्तेमाल हो रहे थे उसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था इसका भारतीय सैनिकों के द्वारा विरोध किया गया था अंग्रेजों की बहुत सारी प्रयास जिसमें से आपको यदि याद हो तो वेलेजली के द्वारा शुरू किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ वो था ना क्या बोलते हैं जिसमें कि सहायता संधि की जा रही थी लोगों के साथ में वो सारे प्रयास अंग्रेजों के द्वारा चल ही रहे थे अचानक हो जाती है म्यूटिनी अठारह की जो स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहलाई अब मैं वो बता आने जा रहा हूं। साथियों हुआ ये कि 1857 को जैसे ही यह कार्य हुआ तुरंत ब्रिटिश सरकार ने जो यहां पर कंपनी का शासन था उससे सारा शासन अपने हाथ में ले लिया तर्क नंबर एक यदि अठारह में हुआ कार्य इतना बड़ा कार्य नहीं था तो फिर ब्रिटिश सरकार ने क्यों भारत में जो उपस्थित गवर्नर जनरल था उसका पद गिरा करके वायस राय बना दिया और क्यों ब्रिटेन की महारानी ने पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया अर्थात अट्ठारह की क्रांति अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखती है नंबर दो जो ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरू किया गया कार्य था जिसमें यह कहा गया था डॉक्टर ऑफ लैब्स डालोजी के द्वारा शुरू किया गया जिसमें यह कहा गया था जिनकी संतानें नहीं है उनकी सत्ताएं जो है वो सरकार मिला लेगी अपने में उसे तुरंत रद्द कर दिया गया नंबर तीन भारतीय सेना के अंदर अब अंग्रेजों की संख्या बढ़ा दी गई नंबर चार भारतीय सेना में विशेष रूप से गोरखाओं की और पंजाबियों की नियुक्ति की गई ताकि वो उस समय अठारह की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिए थे ऐसी स्थिति में भारत के अंदर बहुत सारी जगह पर भारतीय लोगों को दिए जा रही अपॉर्चुनिटीज कम कर दी गई थी तो सवाल बहुत बड़ा है कि क्या अठारह की क्रांति केवल सैनिक विद्रोह था या फिर अंग्रेजों की तख्ता हिलाने वाला था यह जो आज हम लोग बातें बोल पा रहे हैं इसके पीछे वास्तविकता में यह पूरी की पूरी बातें इस पुस्तक से निकल के आती हैं द हिस्ट्री ऑफ दॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अर्थात वीर सावरकर जी भले ही पैदाबाद में हुए थे लेकिन उन्होंने इस इतिहास को इतना प्रख्यापित किया इतना लिखा इतना लोगों से शेयर किया कि बाद में जब राष्ट्रवादियों का समय आया जब बात आई आपके भगत सिंह जी की या फिर चंद्रशेखर आजाद जी की या फिर सूर्य सेन की इन सब ने जो मोटिवेशन प्राप्त किया या फिर जो इंडिया हाउस बना हुआ था मतलब विदेशों के अंदर जो लोग इकट्ठा हो रहे थे जितने भी क्रांतिकारी फिर पैदा हुए उन सबके अंदर यह जज्बा पैदा किया कि अंग्रेज बहुत डरपोक होते हैं तो अट्ठारह की क्रांति का सिग्निफिकेंस लाने में इनकी इस बुक का इतना इंपॉर्टेंस था कि अंग्रेजों ने इनकी बुक का ओपन सेल बैन करवा रखा था यानी कि यह किताब बिकती नहीं थी इसके ऊपर बैन ना कि सत्तावन की क्रांति को याद दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है तो आप इसे इनकार नहीं कर सकते यह वो पॉइंट है इसके अलावा कुछ और तथ्य भी हैं और तथ्य यह भी हैं कि यह हिंदू महासभा के संस्थापक

जो मतलब वो लगाया जाता है पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे हम केवल इतना कहेंगे आपसे कि इतिहास को अपने पक्ष में करने से बेहतर है कि इतिहास को जैसा है वैसा पढ़ा जाए अपनी सुविधा के लिए अपने सहयोग के लिए केवल देश के अंदर जो जितने भी रोग राष्ट्रवादी हुए या फिर बहुतों के लिए जिनका महत्व रहा है उन्हें उनके लिए जो आवश्यक रेस्पेक्ट है उतना बहाल कर दो राजनीति में मत घसीटो मत बांटो नेहरू जी किस पार्टी के थे मत बांटो गांधी जी किस पार्टी के थे मत बांटो सावरकर जी किस पार्टी के थे सबका योगदान याद करो यही हमारे आज का फंडामेंटल ड्यूटी भी है फंडामेंटल ड्यूटीज में सारे राष्ट्रवादियों को याद रखना आर्टिकल इक्यावन ए का पार्ट है तो इन्हें आप इनके सकारात्मक सहयोग से इनके द्वारा किए गए कार्यों से आप अगर याद रखेंगे तो देश आने वाले समय में इनसे हमेशा की तरह प्रेरणा लेता रहेगा इसे राज में ना जाए ऐसा मेरी पर्सनल थॉट है बाकी आपको जैसा ठीक लगे चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल सवाल की तरफ अगला सवाल क्या है मैं आपको वो बताता हूं तो वीर सावरकर जयंती के बारे में मैंने आपको बता दिया हाल ही में निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपन लोग मल्टीपल टाइम बात कर चुके हैं साहब हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है धर्मशाला और वहां पर बैठे हुए हैं तिब्बती लोग और तिब्बती लोगों की वहां पर है एक संसद और उस संसद का नाम क्या है मैकलोडगंज मैकलोडगंज के अंदर मेरे प्यारे साथियों हाल ही में पेम्पा सेरिंग तिब्बती सरकार जो कि तिब्बत पाकिस्तान के कंट्रोल में है वहां से जो तिब्बती इंडिया आए थे उन इंडिया में आए हुए तिब्बतियों के लिए यहां पर सरकार चलती है यहां पर एक पैरल गवर्नमेंट रन होती है हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला के अंदर मैकलोडगंज के अंदर वहां पर नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं जिनका नाम है पेम्पा सेरिंग और मेरे प्यारे साथियों पेम्पा सेरिंग ने लोब सांग सांगे का स्थान लिया है लोब सांग सांगे का स्थान लिया है नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ये तो ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं नंबर दो इन्हें एक नाम से जाना जाता है और वो पद क्या कहलाता है सिक्योंग, सिक्योंग के नाम से ये पद जाना जाता है नए राष्ट्रपति बन गए हैं ठीक है ना

जो भारत के साथ में अड़ा हुआ हिस्सा है ताइबत कभी ऑटोनोमस टेरिटरी हुआ करता था आज चाइना उसके ऊपर अधिकार रखता है और तिब्बत को भारत आज भी यह मानता है हालांकि हमने पहले ही समर्थन चाइना को दे दिया है लेकिन इस सरकार को अगर हम बनाने में मदद करते हैं इसका मतलब है कि हम तिब्बती लोगों के समर्थन में कार्य करते हैं और यह तिब्बतियों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बनाया हुआ है साथियों ये है आपके सामने धर्मशाला का ऑफिस जहां पर इनका यह पद बनाया गया है इस तथ्य को आप याद रख सकते हैं ठीक है ना चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिएगा पेंसा सेरिंग जो है इनका जन्म कर्नाटक में हुआ है इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है ये दो बार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के संसद सांसद भी चुने गए हैं और ये उप विजेता रहे थे 2016 के अंदर हुए इलेक्शंस में अब ये वर्तमान में प्रेसिडेंट बन गए हैं धर्मशाला में इसका हेडक्वार्टर है जहां पर ये बनाए गए हैं ठीक है बेटा चलिए ये दलाई लामा होगा जो धर्मगुरु हैं तिब्बतियों के दलाई लामा जो है इनका जन्म जो है वो चाइना के अंदर हुआ था ये स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर है चौदवे दलाई लामा है उन्नीस में इन्हें नोबल पुरस्कार दिया जा चुका है ठीक है वर्तमान में ये भारत में ही रहते हैं इन्हें भारत दुनिया के अंदर नोबल पीस पुरस्कार मिल चुका है अब तक 150 से ज्यादा इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं 110 से ज्यादा ये पुस्तकें लिख चुके हैं और ये एनी टाइम इस चीज की उम्मीद करते हैं कि एक दिन वापस आएगा जब तिब्बत पर इनका शासन होगा देखते हैं बाकी तो खैर क्या ही है पढ़ते चलिए आपका काम पढ़ाई करना है शासन आता है तो बढ़िया फिर भी आपको तो याद ही करना है आप थोड़ी ना मंत्री बनने जा रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों बशर अल असद यार ये इतना परसेंटेज लेके पास हुआ है भाई अपना राष्ट्रपति चुना गया है चौथी बार सीरिया का इतने परसेंटेज मार्क्स लेकर के पैदा मतलब ये पास हुआ है जिसको देखकर कंफ्यूज है पचानवे पॉइंट वन परसेंट भाई साहब छोटा मोटा सोच के देखिए आप परसेंटेज ऑफ वोट का आप आइडिया लगाइए चुनाव जीत गएरीका ने आईस का खात्मा बगदादी का खात्मा करने का प्रयास किया था वही सीरिया वहां के राष्ट्रपति अमेरिका की मदद से इलेक्शन के माध्यम से बिठाया गया व्यक्ति जो अब एक तानाशाह का जीवन जी रहा है यूं कहा जा सकता है तो 1977 से 2000 तक इनकी पिताजी का राज चला करता था अब 77 2000 के बाद से इनका राज चला आ रहा है मतलब गजब ही मामला चल रहा है साहब बसर अल असद सीरिया के अंदर प्रेसिडेंट बन गए हैं लेकिन इनका यह विरोध विरोध गजब हो रहा है विरोध दुनिया वाले कर रहे हैं कि चुनावों में धांधली हुई है या यार एक चीज तो तय है आप मानिए या ना मानिए लेकिन दुनिया जो है ना वो पूरी तरह से सत्ता के पीछे दौड़ रही है हर आदमी जो सत्ता में आ गया वो जाना नहीं चाहता है और सीरिया कहां पर है तो मेडिटेरेनियन ओशियन में आपको यह दिखाई रहा है जुड़ा हुआ इसराइल के ऊपर लेबनान लेबनान से जुड़ा हुआ सीरिया और समुद्र से यह बॉर्डर साझा करता हुआ है सीरिया और इराक आपस में बॉर्डर साझा करते हैं यह तथ्य आपको मालूम होना चाहिए यह है बसर अल असद पेशे से होने को तो ये एक डॉक्टर हैं और ये चुनाव जीत करके आ गए हैं लोग जबरदस्ती तारीफ इनकी कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चुनाव जीते आप लेकिन लोगों को यह डाउट है कि भाई ये थोड़ा मामला गड़बड़ ही है साथियों है ना तो ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं सीरिया के बारे में बढ़ते हैं आगे की तरफ सीरिया जो है याद रखिएगा पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चे गलत कराते हैं याद करिएगा ये मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है ठीक है ना भूमध्य सागर के साथ बॉर्डर शेयर करता है लेबनान और टर्की के मध्य में है और ये बहुत ज्यादा टर्मोइल स्थान है और यहां पर आज भी यूएस वाले अपना बुरिया बिस्तर जमा करके बैठे हुए हैं ठीक है ना तो ये बसर अल असद की पूरी की पूरी डायनेस्टी है जिसमें आप देख सकते हैं कि 1965 में इनके मतलब ये पूरा की पूरा इतिहास है यार इनके पिताजी पहले रहे 2000 के बाद से आज तक बसरहल असद ही चले आ रहे हैं इनकी पूरी परिवार ही शासन में रहा है तो फिर किस प्रकार से मतलब ये सरकार चला रहे हैं एनी वे आपको तो याद रखना है कि भाई फिर से बन करके आ गए हैं नाइन्टी वोट से जीते हैं लास्ट टाइम अट्ठासी वोट से जीते थे क्या ही कह सकते हैं भाई साहब इतने लोगों के बोर्ड में परसेंटेज नहीं आते जितने वोट परसेंटेज लेके ये जीत गए हैं है ना आइए साथियों हाल ही में कोविड नाइनटीन वायरस यार कोविड नाइनटीन को देख करके ना अब थोड़ी इरिटेशन होने लगी है हम भी ना बहुत बार इशू कराते कराते खुद फ्रस्टेट हो जाते हैं यार अब नहीं कराना यार, है यार ना कोविड नाइनटीन हाल ही में फिर चर्चा में है क्योंकि आई मंडी हिमाचल प्रदेश फिर से चर्चा में है आई मंडी के विद्यार्थियों ने क्या किया है कि कोरोना के अंदर जो पाया जाने वाला वायरस है उस वायरस के अंदर जो प्रोटीन होता है क्योंकि वायरस अल्टीमेटली होता क्या है प्रोटीन होता है तो आईआईटी मंडी कहां पर है तो भाई साहब एकदम जूम करके आपको आईआईटी मंडी का कैंपस दिखा दे रहे हैं ये देखिए आप हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये देखिए आपको बिल्कुल दिखाई दे जाएगा पहाड़ी पर बना हुआ है एक आप, है एकदम विजन देखिए आप आईआईटी का कैंपस ये यहां के वैज्ञानिकों ने यहां के विद्यार्थियों ने बकायदा एक रिसर्च करी है और इन्होंने ये तो शायद लैब भी दिखा देंगे हमारी टीम वाले है ना तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो यहाँ पे हुआ क्या है साथियों की यहाँ के वैज्ञानिकों ने यहाँ के विद्यार्थियों ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर के कोरोना का

साइंटिस्ट्स के पास में उपलब्धि है जी बाकी तो क्या ही है ये आईआईटी मंडी का कैंपस है हाथ जोड़ लो बहुत अच्छा लग रहा है तो फिलहाल के लिए ये है मेरे प्यारे साथियों सारी जानकारियों में आपके पास और इस प्रोटीन का नाम एनएसपी वन है जो कि सिग्निफिकेंट रोल मतलब रखता है आ, इसकी स्ट्रक्चर को समझने के अंदर जो इनके द्वारा कार्य किया गया है ठीक है ना दो चीजों से मिलकर के बना होता है आरएनए और प्रोटीन तो प्रोटीन के अंदर इन्होंने जो काम किया है वो मैंने आपको बता दिया आगे बढ़ते हैं हाल ही में सांग यिंग हंग केवल 26 घंटे में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट की चढ़ाई दर्ज की गई है वे तो किस देश से ताल्लुक रखती हैं हांगकांग हांगकांग से हैं मैडम जी ये और ये मात्र 25 घंटे और 50 मिनट में हम तो लगभग 26 बोल रहे हैं ये पहली सबसे तेज चढ़ने वाली महिला बन गई हैं कहां पर माउंट एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट की इमेज आपको यहां पर बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगी क्योंकि तो इंडिया में पिक्चर क्लियर नहीं आती है नेपाल वगैरह की पिक्चर क्लियर आती है आप देखिए आपको एकदम परफेक्ट पिक्चर दिखाई दे जाएगी ये है माउंट एवरेस्ट की चोटी आठ मीटर अकॉर्डिंग टू नेपाल एंड चाइना इस चोटी पर चढ़ने का कार्य किसने कर दिया है इन मैडम जी ने यह हांगकॉग की पहली महिला पर्वतारोही भी हैं जिन्होंने दो में पहली बार चढ़ी थी अब ये दोबारा दूसरी बार चढ़ गई है और दूसरी बार इन्होंने जो है इनका नाम है सांग इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में तीसरे प्रयास में अब तक सबसे फास्ट चढ़ने का रिकॉर्ड बना लिया है ठीक है? तो है आप बढ़िया चले जाइएगा तमन्ना मेरी भी है पर मुझे कई बार एवरेस्ट की चिंता हो जाती है कि मेरे जाने से कहीं बर्फ इधर उधर ना सरक जाए है ना तो यह आप पूरा रास्ता फॉलो करते हैं रिसेंटली एवरेस्ट चर्चा में क्यों रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कोरोना के चलते चाइना कह रहा था कि हम एक इस प्रकार की बॉर्डर रेखा खींचेंगे क्योंकि चाइना में भी एवरेस्ट पड़ता है तो इसलिए ये कह रहे थे कि हम एक इस प्रकार की रेखा खींचेंगे जो कि चाइना और नेपाल के बॉर्डर सेपरेट कर देगी और नेपाल और चाइना के बॉर्डर सेपरेट कहां ले जाके करेगी माउंट एवरेस्ट पे क्योंकि अब तक क्या होता है कि जितने भी लोग यहां पर चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ते हैं नेपाल वाली साइड से तो चाइना को कहना है कि भाई यहां पर जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऊपर वाला हिस्सा जहां पर एक बार में केवल ही लोग अधिकतम खड़े हो सकते हैं उस जगह का बंटवारा होना चाहिए और यहां जाके ये यह जो टॉप है ये आधा चाइना के पास और आधा नेपाल के पास रहना चाहिए इसके लिए वो यहां पर कोरोना को बहाना बना करके बॉर्डर पर लाइन खिंचवाना चाहता है इस प्रकार का डिफिकल्ट टेरेन यहां पर दिखाई देता है और साथियों यहां पर इस प्रकार से जब ये एवरेस्ट पर पहुंचने वाला समय होता है सबसे ज्यादा क्रिटिकल और टिपिकल समय ये वाला कहलाता है क्योंकि इस समय पर बहुत ज्यादा कैजीज होती हैं एकदम डीप स्लीप है और ऊपर ये जो एवरेस्ट की चोटी आपको दिखाई दे रही है जैसे अपने यहां लंगर में भीड़ लगती है ऐसे एवरेस्ट पर चढ़ने वालों की भीड़ लगती है इसलिए यह सोच करके ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि एवरेस्ट पर चढ़ना मुश्किल है बहुत सारे लोग चढ़ते हैं मुझे ना टेंशन होती है यार ऐसी चीजों को देख करके मान

चलिए साथियों आगे आगे मेरे पास में साथियों ये मैंने आपको कहाँ चला गया मध्य प्रदेश ने साथियों हाल ही में एक अंकुर योजना शुरू करी है अच्छी बात है इसके अंतर्गत क्या करने वाले हैं ये पेड़ पौधे लगाइए बढ़िया से और पेड़ पौधे लगा करके यहां पर क्या है सरकार अवार्ड भी बांटेगी लोगों के बीच में कि हाँ भाई अगर किसी ने पेड़ पौधे लगाए तो पेड़ पौधे लगा करके हमारे पास फोटो खींच के भेजो महीने भर बाद जब वो पेड़ बड़ा हो जाए तब दोबारा फोटो खींच के भेजो ऐसा मध्य प्रदेश का कहना है हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया रखने वाला जो राज्य मध्य प्रदेश है उसके द्वारा ये प्रयास सराहनीय है लोग ताकि पेड़ पौधे लगाने में फोकस करें ये भैया कोटा का है जूम कर रहे हो चलो आगे बढ़ते हैं साथियों तो यहां पर अंकुर कार्यक्रम किया गया है इसमें एक महीने तक क्या काम करने हैं अगर आप भी एमपी से हैं तो इसे कार्यक्रम को जरूर ज्वाइन करें बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इसमें क्या है आपको मोबाइल एप्लीकेशन से एक चीज डाउनलोड करनी है और उसका नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों वायुदूत एप्लीकेशन वायु दूत एप्लीकेशन को डाउनलोड करें वायुदूत एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करें जब आप पौधा लगाएं बिल्कुल इनकी तरह एक बढ़िया सी फोटो खिंचवाएं अब फोटो खिंचवाने के लिए आप फिर ना बीज से भी पौधा बड़ा कर सकते हैं इस फोटो को खींच करके आप लोग जो है वो वायुदूत एप्लीकेशन पर अपलोड कर दें एप्लीकेशन पर अपलोड कर दें फिर एक महीने बाद फिर उस फोटो को वापस अपडेट करें जब ये दो फोटो अपडेट हो जाएंगी तो राज्य सरकार देखेगी कि, कि किसकी फोटो सुंदर है और किसके द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है उसे फिर प्राण वायु अवार्ड दिया जाएगा तो कौन सा अवार्ड दिया जाएगा प्राण वायु अवार्ड दिया जाएगा यह तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है ना तो इसके तहत क्या होने वाला है तो अंकुर स्कीम प्लांट ट्री एंड गेट अवार्ड करके इनके द्वारा योजना चलाई गई है और आपके पास एक प्रकार से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट मलय श्रीवास्तव के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि लोगों के अंदर ज्यादा एनवायरमेंट के प्रति प्यार जगे और जंगलों को बचाने का प्रयास किया जाए ये भाई साहब मध्य प्रदेश दिख रहा है बढ़िया सीनिक ब्यूटी है आनंद लीजिए ठीक है तो अंकुर योजना का शुभारंभ हो चुका है मानसून के समय और आप पहुंचेंगे आज हमारे साथ अफ्रीका में है ना तो मेरे प्यारे साथियों अफ्रीका की यात्रा पर चलिएगा बढ़िया से आपको आज अफ्रीका की यात्रा कराएंगे सुबह दस बज के मिनट पर और आपको बताएंगे कि क्यों अंग्रेज अफ्रीका जाने से डरते थे क्यों उनको लगता था कि उनका जिंगा लाला हो जाएगा आज के सेशन में आपको पता चलेगा दस बज पर फ्री स्पेशल क्लास जिसके लिए आपको अंकित टेन रेफरल कोड यूज़ करना होगा। रही बात दिनों की तो भैया दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं उनतीस मई संयुक्त राष्ट्र सैनिक दिनों का चल रहा है और इकतीस मई तंबाकू विरोधी दिवस चल रहा है बात की जाए इसके अलावा पेड कोशिश की तो म, मतलब अभी आ, क्या बोलते हैं इसको मंडे से मेरा यूपीएससी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी का डिटेल कोर्स आ रहा है आप इसे ज्वाइन करें िलिम्स के लिए करंट अफेयर साथ में आपके साथ में जोग्राफी इससे पहले पॉलिटी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी मेरे अलावा जितने भी एडुकेटर्स उस कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं उन सब की लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस नोट्स सब मिल जाएगा एक चीज और मैं आपको बताता हूं आप एसएससी में भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं वहां पर स्टैटिक जीके पूरा फाउंडेशन बैच चल रहा है उसमें जितने भी एडुकेटर्स मेरे साथ पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस एक ही बार में एक ही सब्सक्रिप्शन से प्राप्त हो जाएंगी एस एस सी का सब्सक्रिप्शन लीजिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है वहां पर अपने मोबाइल नंबर से उसको रजिस्टर करिए रजिस्टर करने के बाद गोल सेलेक्ट करिए एसएससी का गोल है तो एसएससी यूपीएससी का गोल है तो यूपीएससी रेफरल कोड अप्लाई करिए अप्लाई जैसे ही करेंगे अंकित टेन रेफरल कोड अप्लाई करिए 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इतनी सब कुछ करने के बाद भी कुछ समझ में ना आए तो सीधा हमसे संपर्क करिए मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अव सर जहां पर अट्ठावन हजार विद्यार्थी जुड़े हुए हैं यहां पर आप जाइए इसके डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डिटेल दी हुई है अगर कोई दिक्कत आई है तो हमसे फिर मिलिए जानकारी प्राप्त करिए ठीक है तो जानकारी के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं क्लास की एफ के लिए भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी मुफ्त वाली क्लास तो मैंने बता ही दी सुबह दस बजे आ रही है मिलते हैं फिर उसी क्लास में थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखें बड़ों का सम्मान करें छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें धन्यवाद